ब्रेन इज द यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, जो मस्तिष्क के तल में पाई जाती है, तल में पाई जाती है या होती है, वह है यानी कि हमारे मस्तिष्क के तल में एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी में उन सभी पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ये कौन सी है? फर्स्ट है अग्रस्त ग्रंथि, सेकेंड है बार्थोलिन ग्रंथि, थर्ड है पीयूष ग्रंथि और फोर्थ है आउटू ग्रंथि। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर की ओर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कि पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करती है और इस कारण से इस हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दो, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड, यानी एक्वस ह्यूमर जो तरल पदार्थ होता है ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? एक्वस ह्यूमर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले आरपीएससी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका, आपके लैब असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन किससे होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोरोइड, सेकेंड है रेटिना, थर्ड है सीलियरी बॉडी और फोर्थ है लेक्रिमल ग्लैंड्स। देखो ये सभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं जितने भी पार्ट हैं ये सभी आईज के पार्ट होते हैं, एक बार इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन आई की संरचना किस प्रकार से होती है? देखो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर जो पार्ट ये वाला जो नजर आ रहा है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं, और इस स्क्लेरा के आगे की ओर ये वाला जो पार्ट होता है जो कि पारदर्शी होता है उसे हम कोर्निया कहते हैं। इस कोर्निया के अंदर की ओर ये जो द्रव भरा रहता है इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, एक्वस ह्यूमर। एक बार और इसकी संरचना देख लेते हैं अंदर की ओर, ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये इसे हम लेंस कहते हैं, लेंस, और इसके पीछे वाला भाग जहाँ पर आपकी इमेज बनती है उसे रेटिना कहा जाता है, और पीछे की ओर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पाए जाते हैं और यहाँ पर होता है अंधबिंदु। देखो पीत बिंदु जो होता है वहां पर जो संरचना होती है स्ट्रक्चर वो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन ध्यान में रखिए जो अंधबिंदु होता है वहां पर बिल्कुल ही स्ट्रक्चर नहीं बनती है। यहाँ पर देखो लेंस और जो रेटिना के मध्य द्रव भरा रहता है इसे हम विट्रस बॉडी या विट्रस फ्लूड भी कह सकते हैं, लेकिन जब लेंस और कोर्निया के बीच में ये वाला जो द्रव होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और इस लेंस को जो कंट्रोल यानी जोड़े रखने का कार्य करती है सीलियरी बॉडी, और इसी सीलियरी बॉडी के द्वारा ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन होता है, तो ये सीलियरी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच टाइप ऑफ द ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक, यानी चूजे में किस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टेरियो ब्लास्टुला, सेकेंड है डिस्को ब्लास्टुला, थर्ड है एम्फी ब्लास्टुला और फोर्थ है ब्लिबो ब्लास्टुला बोलते हैं इसे। देखो ये हम जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने 50+ क्वेश्चन देखे हैं, आगे वाले पार्ट में 50+ क्वेश्चन और देखने वाले, टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, डिस्को ब्लास्टुला, डिस्क टाइप में ब्लास्टुला बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल फ्यूल इज करेंटली एक्सेप्टेड एज ए इको फ्रेंडली, यानी इस प्रकार का इनमें से कौन सा ईंधन है जिसका प्रयोग हम जो वातावरण है पर्यावरण है उसके शुद्धिकरण के लिए या उसकी फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली, जिसका हमारे जो वातावरण है उसमें प्रदूषण की संभावना नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, ऐसा जो व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल कौन सा यूज करते हैं? डीजल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो डीजल, पेट्रोल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं ये क्या करते हैं? ये तीनों ही प्रदूषण करते हैं, लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी, इसे हम इको फ्रेंडली फ्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, असंगत का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोपाइल, सेकेंड है बीजांड का या न्यूशीलस, थर्ड है भ्रूणपोष और फोर्थ है पोलन ग्रेन्स परागकण। अब देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल, बीजांडकाय और भ्रूणकोश ये तीनों ही पार्ट किसके हैं? आपके फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पार्ट हैं। देखो भ्रूणकोश की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता चेलाजा पार्ट या चेलाजा शीरा, नीचे वाला माइक्रोपाइलर शीरा जहाँ से जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर के इसमें से प्रवेश करते हैं। एक इसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती है, तीन सेल्स होती है, एक दो और तीन, तीन होती है जिसे एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं।
एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में ये सेंट्रल सेल हो गई, और इसकी सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, जिसे ध्रुव केंद्रक कहते हैं। ध्रुव केंद्रक जो कि द्विगुणित हो जाता है, ये बाद में जुड़ करके एक हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। और इसी के साथ में देखो यहाँ पर जो जो आपका प्राकण होता है, अंकुरित होकर आता है, तो उसमें दो गेमेट्स होते हैं, सामान्यतः दो न्यूक्लियस होते हैं, या नर गेमेट्स जो होते हैं दो होते हैं। एक तो क्या होता है, अंड से जुड़ जाता है, एग से जुड़ जाता है, और एक इन ध्रुव कोशिका के साथ जुड़ता है, जो फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण करता है। जो पोलर न्यूक्लियाई मिल करके, और जो एक जो आपका नर गेमेट्स या मेल गेमेट्स होता है, वो जुड़ करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और इस एम्ब्रियो के अंतर्गत हम बात करें, एम्ब्रियो या भ्रूण पोष भी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि त्रिगुणित होता है। यहाँ पर देखो ये ऊपर आपको नजर आ रही है ये वाली, ये एग सेल्स होती है, और इसके नीचे ये जो सेल्स होती है, ये सिनरिड सेल्स कह सकते हैं, या सहायक कोशिका इसे हम कह सकते हैं। और नीचे यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो ये होता है आपका न्यूशेलस, या इसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं, या जो परागकण होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आता है 6। सिलेजिनेला के तने में उपस्थित ट्रेवेकुली प्रदर्शित करती है। सिलेजिनेला जो होता है, इसमें ट्रेवेकुली नामक तने में संरचना एक पाई जाती है, जो मुख्य रूप से किसको प्रदर्शित करती है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, उपरोक्त दोनों स्तरों को, आंतरिक कॉर्टेक्स को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडोडर्मिस को प्रदर्शित करती है ट्रेविकुली सिलेजिनेला में। क्वेश्चन नंबर 7, टाइलोसिस पाए जाते हैं, तो टाइलोसिस किस में मिलते हैं, ये देखो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल हैं उन्हें ही हम टाइलोसिस कहते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेरिड्रम में, सेकास्ट यानी सेपवुड में, पेरिड्रम सेपवुड में, हर्टवुड यानी अंतःकाष्ठ, और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितक वल्कुट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्टवुड जो अंतःकाष्ठ होती है उसमें पाए जाते हैं आपके टाइलोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपका एंजाइम वाला, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। व्हाट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, मुख्य रूप से एंजाइम की जो मुख्य विशेषता है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, होलो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट, को एंजाइम, और नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर एक बार एंजाइम वाले टॉपिक को हम समझ लेते हैं। एंजाइम जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो सिंपल जो एंजाइम होता है, ये तो देखो सीधे ही प्रोटीन से बने होते हैं, केवल प्रोटीन पाए जाती है सिंपल एंजाइम में। एक जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, जिसे हम होलो एंजाइम भी कह सकते हैं, होलो एंजाइम, इसमें देखो प्रोटीन पार्ट भी होता है और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल एंजाइम भी कह सकते हैं, और जिसमें प्रोटीन और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम यानी ये प्रोटीन वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। एंजाइम में, होलो एंजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है, और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है और एक को एंजाइम होता है। प्रोस्टेटिक ग्रुप यूजुअली स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एटम यानी बहुत छोटे इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अणु होते हैं, और ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। जो प्रोटीन वाला भाग है उससे बहुत ही मजबूती से जुड़े रहते हैं। को एंजाइम की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं, और लूजली जुड़े रहते हैं एपो एंजाइम से। तो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से ये जो होलो एंजाइम कह सकते हैं हम, होलो एंजाइम, इसके दो भाग होते हैं, एक तो एपो एंजाइम और एक होता है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर तो एपो एंजाइम ये प्रोटीन वाला भाग, कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन वाला भाग होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि विशेषता क्या है, कौन सी होती, तो होलो एंजाइम हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अन एरिया बिटवीन बेस ऑफ द कोलियोपटाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्कूटेलम इज नोन एज, यानी कि कोलियोपटाइल और ओरिजिन के आधार पर स्कूटेलम जो होता है, जो मध्य में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। कोलियोपटाइल और ओरिजिन के आधार पर स्कूटेलम जो होता है ये मध्य में पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्यूडोकोटाइल, सेकंड है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, थर्ड है हाइपोकोटाइल, और फोर्थ है मीजोकोटाइल। तो मध्य में पाया जाता है तो इसे मीजोकोटाइल कहते हैं। स्कूटेलम मिलता किस में, देखो जो गेहूं वाला जो घास कुल होता है उसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन, ट्राइसोमी मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, पाइसम, एलो, रियो और दतुरा, दतुरा में मिलती है ट्राइसोमी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वेन सिंड्रिड्स, चलो हिंदी में देख लेते हैं, जब सहायक कोशिका एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण बनाती है तब इसे क्या कहा जाता है? यानी एक तो सहायक कोशिका मैंने आपको बताया था, देखो इस प्रकार से ये जो आपका भ्रूण पोष होता है, भ्रूण सैक, सॉरी एम्ब्रियो सैक जो होता है, यहाँ पर आपकी सहायक जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पर आपकी जो एग सेल्स होती हैं वो होती हैं। अब कह रहा कि जो सहायक कोशिका होती हैं ये, और ये प्रतिमुखी कोशिका होती हैं ये दोनों अगर भ्रूण बनाती है तब इसे हम क्या कहते हैं? एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस और बहुभ्रूणता। तो इसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एम्ब्रियो सेक के अलग अलग टाइप दे रखे हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। एक तो एट्रोपस, सेकेंड है एनाट्रोपस, थर्ड है एम्फीट्रोपस और फोर्थ है हेम्योट्रोपस और फिफ्थ हो जाएगा कैम्पिलियोट्रोपस और फोर्थ है सर्किनोट्रोपस। तो ये कुछ अलग अलग टाइप हैं, इनके उदाहरण थोड़े से देख लेना आप। मुख्य रूप से ये वाला पाया जाता है एनाट्रोपस प्रकार का, तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 12। रेस्पायरेटरी क्वेशेंट ऑफ C39H74O6, यानी कि इसका श्वसन गुणांक क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 0.75, एक 1.430, 2.145। तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन गुणांक इसका, जो कि वसीय अम्ल है। यहाँ पर देखो एक चीज ये देख लीजिए कि श्वसन गुणांक होता क्या है। श्वसन गुणांक देखो, श्वसन के अंतर्गत हमने कितनी CO2 ली है, कितनी CO2 छोड़ी है और कितनी ऑक्सीजन ली है। अब सामान्यतः हम बात करें तो 6:6 होती है। किसके लिए? हम ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 6/6 हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान एक होता है, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच जैव संबंध पर विचार करती है और जैव संबंध का अध्ययन करती है, यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें अलग अलग जीव या अलग अलग जाति और उनका वातावरण के साथ जो जैव संबंध होता है उसका अध्ययन करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी, साइनो इकोलॉजी, पादप भूगोल, फाइटो जियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ऑटो इकोलॉजी, या इसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर आता है 13 के बाद में 14। सेंड फ्लाई किस रोग को, ये रोगाणुओं को फैलाती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। सेंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? काला आजार, टाइफाइड, निंद्रा रोग और मलेरिया। सेंड फ्लाई जिसे हम हिंदी में रेत मक्खी भी कहते हैं, रेत मक्खी, और ये क्या करती है? ये काला आजार नामक रोग फैलाती है। टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी। और जो निंद्रा रोग की बात करिए तो निंद्रा रोग होता है आपका जो, जिसे हम सीसी मक्खी कहते हैं, ये इसकी वाहक होती है। सीसी मक्खी की इसकी वाहक होती है, वाहक का नाम ध्यान में रखना, यहाँ से वाहक से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सीसी मक्खी मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से सामान्यतः होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आता 15। एंटी कोगुलेंट इन द सेलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज, लीच यानी कि जो जोंक होती है, जोंक, इसके सेलाइवा यानी कि लार में एंटी कोगुलेंट पदार्थ कौन सा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कौन सा पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है लीच के अंदर? ऑप्शन फर्स्ट है हिपेरिन, सेकंड है हिरुडिन, थर्ड है सिंपेथिन और फोर्थ है सीरेटोनिन। अब देखो सीरेटोनिन तो आपकी जो बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स होती है, उसके द्वारा सिक्रेट होता है। हिपेरिन होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जो ब्लड को जमने से रोकता है वेसल्स में। हीरोडिन होता है इसका आंसर, हीरोडिन जो पदार्थ होता है ये लीच की सेलाइवा में पाया जाता है, जो एंटू कोगुलेंट पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16। जेकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्ड विद, यानी जेकोब्सन ऑर्गन मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, इसका कार्य क्या होता है ऐसा मान लीजिए, और ये किस में पाए जाते हैं? जितने सर्प होते हैं सर्पों में मिलते हैं सामान्यतः जेकोब्सन ऑर्गन। ऑप्शन फर्स्ट है स्मेल, सेकेंड है ब्रोविंग, थर्ड है टच और फोर्थ है विजन। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्मेल, गंदे को महसूस कराने का कार्य करते हैं जेकोब्सन ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है,
क्वेश्चन नंबर 17, यूनिट मेम्ब्रेन, कंसेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड। यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकल कलारूप जो है, ये प्रतिरूप जो किसके द्वारा दिया गया था, मेम्ब्रेन्स झिल्ली से संबंधित, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित जो एकल कला प्रतिरूप है, यूनिट मेम्ब्रेन ये किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्टसन, सेकेंड है डेनियल एंड डाउसन, थर्ड है पोर्टर और फोर्थ है सिंगर एंड निकोलसन। देखो ए बी और सी तीनों ही आपकी प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित जो थ्योरी दी गई थी उससे संबंधित हैं। पोर्टर ने तो ए या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रॉबर्टसन। लेकिन सबसे मान्य जो होता है वो सिंगरम निकोलसन का होता है, जो 1972 में दिया गया था और इन्होंने फ्लूड मोजेक मॉडल दिया था, फ्लूड मोजेक मॉडल, और कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बार बॉडी इज फॉर्मड, बार बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्टिव यानी कि सक्रिय एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा इन बॉयज, बॉयज में तो नहीं होता ये ध्यान में रख लीजिए, इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स इन गर्ल्स, टू एक्टिव ऑटोसोम्स इन बॉयज, बॉयज का तो नाम ही काट दीजिए यहाँ पर, वन एक्टिव ऑटोसोम्स इन गर्ल्स, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स इन गर्ल्स, गर्ल्स में जो सक्रिय असक्रिय जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स क्रोमोसोम, उसके द्वारा बार बॉडी का निर्माण होता है। देखो बार बॉडी की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक हमने यहाँ पर देखा ये इस प्रकार से उपस्थित है, तो जो एक्स है, एक्स की जितनी संख्या है उनमें से हम एक को माइनस कर देते हैं और जो आएगा वो बार बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स तीन दे रखी है, 3 - 1 बराबर 2, दो बार बॉडी हो जाएगी यहाँ पर। के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं होती है, ज्वाला कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो मैं बता दें जितने भी चपटे कर्मी हैं, प्लेटे हेलमिंथीज, प्लेटे हेलमिंथीज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी, सेंसरी यानी संवेदी और फोर्थ इन्फ्लामेंट्री, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उत्सर्जन से संबंधित होती है, एक्सक्रेटरी मुख्य रूप से कार्य करती है एक्सक्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, रैथ के पोचेजेज रिलेटेड टू, रैथ के कोष्ठ जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि और मूत्राशय, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइटोक्रोम्स आर, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं। देखो साइटोक्रोम तो वैसे तो हमें पता है कि ये एंजाइम होते हैं, तो ये किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, राइबोफ्लेविन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, पिरिमिडिन्स न्यूक्लियोटाइड, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स, मेटल कंटेनिंग फ्लेवो प्रोटीन्स, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स है, इसे हम साइटोक्रोम्स को कहते हैं, या हमारे ईटीएस जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें कार्य करती है। और क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटिंग गैसेज इज इमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज और पल्प मिल्स। रिफाइनरी और जो पल्प मिल्स होती हैं, मिल्स होती हैं बहुत सारे जो कारखाने होते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से हम बात करें तो कारखानों से और रिफाइनरी जो फैक्ट्रियां हैं इनमें से कौन सी गैस, जो एयर पोल्यूटिंग कौन सी गैस है वो रिलीज होती है, तो यहाँ पर हम बात करें CO2, SO2, H2S और NO2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा SO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज होती है इनसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विषाणु यानी वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट है लुई पाश्चर, सेकंड है डीजे इवनोस्की, थर्ड एस लूरिया, देखो इसने तो खोज की थी इसकी ध्यान में रखना, डीजे इवनोस्की ने, एम एस लूरिया और फोर्थ है डब्ल्यू एम स्टेनले, तो डब्ल्यू एम स्टेनले इसका आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एम स्टेनले ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्म जीवी के हेप्लांटिक जीवन चक्र में, हेप्लांटिक यानी कि अगुणित, सूक्ष्म जीवों के अगुणित जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस किसमें होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोट में, स्पोरेंजिया में, उगोनिया में, कार्पोगोनिया में। अब देखो जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित होता है और इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसका तना पर्ण संधि और पर्ण में विभेदित होता है, पर्ण संधि इंटरनोड और इंटरनोड एंड जो नोड्स हैं इनमें विभेदित होता मुख्य रूप से हम बात करें तो।
तो किसका हो जाएगा, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला इक्विसिटम, कोई नहीं तो इक्विसिटम हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें पर्णसंधि यानी इंटरनोड और नोड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना और आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैंने टफ टाइप के लिए हैं और कुछ बहुत ही देखो विजी तो नहीं, एकदम से इजी तो नहीं है, जो बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं है उनके लिए इजी नहीं है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसा आप विश्वास रखिए, और इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 26, निम्नलिखित में से किसी एक कुल में एक कोष्ठकीय ऊर्ध्व अंडाशय पाया जाता है। देखो जो अंडाशय वाला पोर्शन है, ऊर्ध्ववर्ती अधोवर्ती, ये मैंने आपको पहले बता दिया है प्लांट मोर्फोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हमने पुष्पों का निवेशन किस प्रकार से होता है, जिसमें एपिगाइनस इस प्रकार से कई प्रकार के पुष्पों के जो वेनेशन है, जो स्थिति है वो हमने देखी थी, तो उसमें अच्छे से समझाया था आपको मैंने। निम्नलिखित में से किसी एक कुल में एक कोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। ऑप्शन फर्स्ट एस्टेरेसी, पेपेरेवसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपेरेवसी में पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी विभिज्योतकी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनमें लाक्षणिक रूप से पतली सेल वॉल, पतली भित्ति होती है, वृहद रिक्तिका, बड़ी वैक्यूल से बड़ी रिक्तिका होती है, ऊर्ध्व विभाजन होता है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं जिनमें पतली भित्ति होती है, वृहद रिक्तिका होती है, ऊर्ध्ववर्ती विभाजन होता है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स यानी तरकु आकार आदिम कोशिकाएं, रे इनिशियल्स यानी कि आदि कोशिकाएं, थर्ड रूट अपेक्स मूल शीर्ष आदि कोशिकाएं, और शूट अपेक्स प्रोह शीर्ष आदि कोशिकाएं या आदिम कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स या तरकु आकार आदि कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पतली भित्ति, वृहद रिक्तिका और ऊर्ध्व विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए मुख्य रूप से हम बात करें तो इनमें से कौन सा है जो महत्वपूर्ण है विकास के लिए। म्यूटेशन, म्यूटेशन से नई जाति का निर्माण होता है, उद्विकास होता है इससे भी, रिकॉम्बिनेशन से नए नए जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, उनका जोड़ा बनता है, तो उससे भी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, आइसोलेशन से भी इवोल्यूशन होता है, तो ये तीनों ही क्या है महत्वपूर्ण है इवोल्यूशन के लिए, उद्विकास के लिए। 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो प्लांट हार्मोन वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। तो पादप हार्मोन से संबंधित तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। एक तरफ दे रखा ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, एपिकल डोरमेंसी है, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ साथ में, साइटोकाइनेसिस फ्रूट ओपनिंग यानी फलों का पकना, और इथाइलिन इंटरनोडल इलोंगेशन या इथाइलिन पर्ण विवर्धन। अब देखो ऑक्सिन है ये शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोरमेंसी करता, तो यानी कि इसमें एक हो जाएगा फर्स्ट में। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन करता है विवर्धन, पर्ण विवर्धन, इंटरनोड इलोंगेशन करता है, तो चार हो जाएगा इसमें। जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, पर्ण विवर्धन या इंटरनोड का इलोंगेशन आवर्धन करता है इसका। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, तो ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन दो में है तो दो हो जाएगा, और इथाइलिन फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3 किसमें, 1 4 2 3, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, अच्छे से ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व स्तर पर संकटापन पक्षी प्रजाति है, इनमें से कौन सी है जो संकटापन पक्षी प्रजाति विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर, पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि ये गोडाउन को कहती हैं, गोडाउन जो हमारा राज्य पक्षी है राजस्थान का, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। जंगल क्रो यानी जंगली कोवा, पेट्रीज यानी कि तीतर, ये क्या होते हैं मुख्य रूप से बात करें, इन मोर को छोड़कर ये तीनों ही आपके बहुत ही संकट की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है ये संकटापन्न पक्षी प्रजाति है विश्व स्तर पर। 31, हरिगोविंद खुराना को जाना जाता है, हरिगोविंद खुराना को किसके लिए जाना जाता है, देखो वैसे तो हमें पता है कृत्रिम रूप से इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए संरचना की खोज के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए लाइगेज प्रकीर्णन यानी एंजाइम की खोज के लिए, और टीआरएनए की खोज के लिए, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। 32, किस नली तंत्र में स्पॉन्जोसील कीप कोशिका कोइनोसाइट्स से संबंधित होती है, कौन सा नली तंत्र है, केनाल सिस्टम है, जिसमें स्पॉन्जोसील जो गुहा होती है ये कीप कोशिका या कीपक कोशिका या फिर इसे हम कोइनोसाइट भी कहते हैं,
इससे संबंधित होती है। तो ये स्पंजोसील और किप्पा कोशिका ये आपके किस वाले ग्रुप में मिलते हैं? स्पंज में मिलते हैं, पोरीफेरा में, पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ तंत्र के नाम दे रखे हैं, एस्कोनोइड, एस्कोनोइड, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड, साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड। तो ये जो स्पंजोसील गुहा है इसके साथ में कोयनोसाइट है वो किस में मिलती है? एस्कोनोइड प्रकार का जो नाल तंत्र होता है उसमें देखने को मिलती है, केनाल सिस्टम में देखने को मिलती है। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायरेटरी पिगमेंट, हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग, यानी इनमें से कौन सा श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है जिसमें हीम ग्रुप व आयरन, एफ ई, हीम ग्रुप व आयरन नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा श्वसन वर्णक है जिसमें हीम ग्रुप और आयरन नहीं पाया जाता है? हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोस, क्लोरोक्रोनिन, क्लोरोक्रोनिन, हिंदी में लिख देता हूँ, क्लोरो क्लोरिन, क्लोरोक्रोनिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है हमें पता है, हीम ग्रुप और आयरन होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हीमोसाइनिन में आपको कॉपर देखने को मिलता है, C+2, कॉपर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्स ए यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, इनमें से कौन सा है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय नहीं पाया जाता है, कौन सा प्राणी है जिसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? रेबिट, फ्रॉग, यूरोमेस्टिस और पाइजन। देखो जो पिजन होता है जिसे हम कबूतर कहते हैं मुख्य रूप से, कबूतर हिंदी में, तो इसमें क्या होता है आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय नहीं पाया जाता है। 35, वन ऑफ द फॉलोइंग विच सेल्स ऑर्गेनल्स एक्सिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें बहुरूपता देखने को मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। अब देखो जो लाइसोसोम जब हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम ये अलग अलग प्रकार, लाइसोसोम जब हम पढ़ते हैं ये अलग अलग प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर रेसिडुअल, और ये अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम के प्रकार हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। 36, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो जाए, कोई भी क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, उसमें उस कोई भी जाति है अलग अलग प्रकार की, उनकी आबादी कम हो जाए तो किसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक अपवाहन, प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, अगर किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो जाए तो उसके किसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तो आनुवंशिक अपवाहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सी क्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का हमें पता है ये तो कोशिका द्रव्य में होती है, तो पहला तो वैसे ही गलत कर देते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो लीवर के द्वारा होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्कर, इसे हम TCA भी कहते हैं, TCA, या क्रेप्स चक्र भी इसे हम कहते हैं, क्रेप्स साइकिल, और हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यू ये भी नहीं होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या TCA चक्र या क्रेप्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। टोटल ATP जो श्वसन में 38 ATP बनते हैं, लेकिन क्रेप्स चक्र में टोटल जो ATP बनते हैं वो 30 बनते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके फलस्वरूप दो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, एक पायरुविक एसिड से 15 ATP बनते हैं लिंक रिएक्शन को मिला करके, जबकि दो पायरुविक एसिड से कितने हो जाएंगे, 30 ATP हो जाएंगे। जब ग्लाइकोलाइसिस में मिलाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को मिला करके टोटल 38 ATP हो जाते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, वरक नलिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? जो किडनी ट्यूबुल्स होती है, वरक नलिकाएं जो होती हैं, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, ओरिजन किससे होता है? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, एंडोडर्म, अंतस्थ त्वचा, और नन ऑफ दीज। तो किडनी कहाँ पाई जाती है? हमारी मध्य में उपस्थित होती है पीछे की ओर, और ये होती है एंडोड्रम से, अंतस्थ त्वचा से इसकी उत्पत्ति होती है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इन एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स, यानी कई हार्मोन्स जब क्रिया करते हैं तो उस समय उसकी क्रिया विधि में सेकेंड, द्वितीय मैसेंजर का कार्य, संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? इनमें से AMP, सेकेंड DAMP, थर्ड ATP और फोर्थ है साइक्लिक AMP। तो यही हो जाएगा चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक AMP। क्वेश्चन नंबर 40, इटाई इटाई
रोग किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है। इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है मरकरी के पोल्यूशन से, सेकंड है पीबी लेड पोल्यूशन से, थर्ड है सीडी कैडमियम के पोल्यूशन से, और थर्ड है सेरियम शेलियम के पोल्यूशन से। ये तो यहाँ पर जो इटाई इटाई रोग है ये होता है आपका कैडमियम के पोल्यूशन से होता है। मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी से होता है मिनी माटा। मिनी माटा जो रोग होता है ये मरकरी से होता है, पारा जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 है नहीं, 40, 49, 41, 41। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप, यानी कि मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मेथेन उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, तो ये किस ग्रुप में रखे गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया यानी आदिम प्रकार के जीवाणु, सेकंड साइनो बैक्टीरिया, थर्ड है यू बैक्टीरिया, और फोर्थ है राइजो बैक्टीरिया। तो मेथेनोजेन्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये अधिक टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो काऊ होते हैं उनके डग यानी कि उनके गोबर में पाए जाते हैं, और ये गोबर गैस में भी काम में लिए जाते हैं। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया CH4 मेथेन उत्पन्न करते हैं ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया में इन्हें रखा गया है। 42 बहुपक्षमावी जुगोनेडियम, बहुपक्षमावी पक्षमावी मल्टीसिलेटेड जुगोनेडियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, जिग्नीमा, उडोगोनियम, कारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कारा जिग्नीमा में देखने को मिलता है ये जुगनोडियम। 43 यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान सभी वातरंध्र अवरुद्ध हो जाए, कोई भी स्तंभ है उसके ऊपर जो वातरंध्र होते हैं ये बंद हो जाए, तो सबसे पहले कौन सी सेल या कौन सा भाग पादप का मर्त होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकली इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नीट में पूछे जाते हैं, तो अब आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं, केवीएस में भी पूछे जा सकते हैं। यदि किसी स्तंभ पर वातरंध्र उपस्थित हैं और सभी वातरंध्र की क्या हो जाए, डेथ हो जाए या अवरुद्ध हो जाए, तो प्रथमतः कौन सा भाग डेड होगा? जड़े, पत्तियां, प्रोबोशीर्स, उपरोक्त सभी। देखो इसमें सीक्वेंस के अनुसार बात करें तो सबसे पहले जो सूट टिप्स होता है, प्रोबोशीर्स जो होता है ये मरेगा पहले, सबसे पहले 43 के बाद में 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों मिलाए गए हैं, कौन सा जोड़ा है जो गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सिन कोल्यूपटाइल कर्वेचर, सेकंड है एब्सेसिक एसिड इंटरनोड इलेंगेशन, थर्ड है साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, थर्ड हो जाएगा इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग। तो यहाँ पर देखो ऑक्सिन जो होता है ये कोलियोपटाइल कर्वेचर वक्रण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पादपों में, तो ये सही है। एब्सेसिक एसिड इंटरनोड इलोंगेशन ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एब्सेसिक एसिड होता है ये तो क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोकता है, पादप की वृद्धि को रोकता है यानी इन हार्मोन्स के उल्टा कार्य करता है ये। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन ये सही है, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग यानी कि फलों का पकना ये भी सही है आपका, फलों का पकना ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 45 प्रकाश संश्लेषण में दो श्वसन तंत्र दो वर्णक तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें दो वर्णक तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत यानी टू पिगमेंट सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है हिल इमर्सन, सेकंड है इमर्सन, थर्ड है ब्लैक मैन द्वारा, फोर्थ है एच स्लैक द्वारा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में जो टू वर्णक सिस्टम है यानी कि टू पिगमेंट सिस्टम वो दिया था। देखो इसमें अलग अलग होता है, फर्स्ट वाले में जो सामान्यतः हम बात करें तो 700 जो अभिक्रिया केंद्र होता है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड वाला में 680 होता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आगे आने वाली जो सीरीज रहेगी क्वेश्चन रहेगी उनमें मैं डिटेल से लेकर के आऊंगा। ब्लैक मैन ने सीमाकारी सिद्धांत दिया था, हेस लेक ने जो C4 साइकिल है वो बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करना है आपको,
और इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से युग्म गलत हैं, कौन सा सुमेलित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, पेंट एंड पिगमेंट, नाइट्रोवेंजिन एंड एनिलिन थर्ड टेनरी यानी चमड़े का कारखाना, क्लोरिन एल्डिहाइड, सभी सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4, 3 तीन ही है। 47 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रसायन में कौन डीएनए निम्नलिखित रसायन में कौन डीएनए में अंतर्निवेशक इंटरकेलेटिंग का कार्य करता, अंतर्निवेशन का कार्य करता, नाइट्रो सोगवानिडिन, पेनिसिलिन, एक्रीफ्लेविन, रिम्फैफिसिन। तो सी हो जाएगा एक्रीफ्लेविन। 47 के बाद में 48 47 है ना, 48 आ जाएगा आप। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया क्या है, एक स्पंज है, पोरिफेरा वर्ग का सदस्य है ये। ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति जो बॉडी वॉल होती है उसमें उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है। देखो मुख्य रूप से जो स्पंज होता है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, तो इन कोशिकाओं के नाम यहाँ पर देखने हैं और इनमें से कौन सा है जो सभी कोशिकाएं है वो आपके ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी वॉल में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट। सेकेंड है पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट नहीं होती इसमें, नेफ्रोसाइट इसमें भी दे रखा है, नेफ्रोसाइट इसमें भी, मतलब तीनों ही गलत हो गए वैसे ही। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट यानी पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, ये सभी क्या है आपके ल्यूकोसोलोनिया की देह भित्ति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ क्या होता है। वेगल नृत्य मुख्या मधुमक्खियां करती हैं, जो हनी बीज होती हैं वो, तो शायद जो मक्खी होती है उनमें वेगल नृत्य का अर्थ क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है, क्यों करती हैं ये। प्रजनन के लिए, संदेश पहुंचाने का कार्य करने के लिए, भोजन पदार्थ की स्रोत की ओर जाना, और फोर्थ हो जाएगा विदेशी तत्वों को मारना। देखो जब हनी बी को भोजन मिल जाता है तो उस भोजन की ओर जाने के लिए या उस भोजन के स्रोत की ओर जाने के लिए ये वेगल नृत्य करती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, टोर्नेरिया लार्वा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, लार्वा से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लार्वा टोर्नेरिया, टोर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, टोर्नेरिया किसका लार्वा है, किसका लार्वा टोर्नेरिया, स्टारफिश का, बेलेनोग्लेसेस का, कटलफिश का, होलोथुरिया का। तो बेलेनोग्लेसेस का हो जाएगा टोर्नेरिया लार्वा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं, तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं, मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा कि ये किस में पाए जाते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम। तो ऑप्शन में ये हो जाएगा, लाइसोसोम है, इनके बने होते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 52, मिलर सिंथेसाइज्ड सिंपल एमिनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलर जो वैज्ञानिक था इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो सिंपल कुछ पदार्थ लिए थे, कुछ मिक्सचर लिया था, उस मिक्सचर से एमिनो एसिड का निर्माण किया था। तो वो मिक्सचर यानी वो पदार्थ कौन कौन से हैं इनमें से। फर्स्ट है H2O2N2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 अनुपात में, साथ में वाटर वेपर। सेकेंड है CH4NH3, H2O2, 2, 1, 2 एंड वाटर वेपर, H2O3N2, 2, 1, 3 एंड वाटर वेपर, और CH4NH3, H2O2, 1, 2, 1 एंड वाटर वेपर। देखो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, CH4, मेथेन, एमोनिया, NH3 और हाइड्रोजन गैस। इनका अनुपात भी ध्यान में रखना, 2, 1, 2 और साथ में वाटर वेपर ली थी। तो ये सी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, किस पदार्थ की सांद्रता को बनाए रखता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये कौन से पदार्थ हैं जिनकी सांद्रता को बनाए रखता है। ऑप्शन फर्स्ट है खनिज पदार्थ, सेकंड है जल, थर्ड है बोथ खनिज पदार्थ एंड जल, और फोर्थ हो जाएगा किण्वन कोट। देखो ये दोनों भी सही है लेकिन ऑप्शन सी में दोनों ही दे रखे हैं, खनिज पदार्थ और जल की जो सांद्रता है उसको कायम रखने का कार्य करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। 54 नंबर का क्वेश्चन है, वैक्स ग्लैंड यानी कि मोम ग्रंथिया, मोम ग्रंथिया आर प्रेजेंट इन वर्कर बीज, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है तो उसमें मोम ग्रंथिया कहाँ पर पाई जाती है। हिंड लेग, हाइंड लेग, एब्डोमिनल स्टरनाइट, एब्डोमिनल स्टरनाइट, एब्डोमिनल ट्रगनाइट, ट्रगाइट, एब्डोमिनल ट्रगाइट और मेंडेबल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्डोमिनल पे पाए जाते हैं, स्टरनाइट के ऊपर, एब्डोमिन एब्डोमिनल जो पेट होता है उदर होता है उस उदर पर ये देखने को मिलती है मोम ग्रंथिया। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाला,
कैंसर उत्पन्न करने वाला कौन सा है इनमें से? एक्सरे, HNO2, वायरस और स्टार्च। देखो ये भी और ये भी, ये तीनों कैंसर उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन डी जो स्टार्च होता है ये तो आपकी पादप का मुख्य संचित भोजन होता है। 56 का क्वेश्चन है, न्यूक्ल एंड ग्लोबुल आर फाउंड इन, न्यूक्ल और ग्लोबुल जो ये क्या होते हैं, ये जनन अंग होते हैं, ये कोन के रूप में, शंकु के रूप में पाए जाते हैं, तो ये इनमें से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फाइकस में, सेकंड है उडोगोनियम में, थर्ड है ओसिलेटेरिया में और फोर्थ है कारा में। तो ये सभी जो उदाहरण दे रखे हैं आपके सवाल की उदाहरण है, तो इनमें से किस में न्यूक्ल और ग्लोबुल पाए जाते हैं? तो कारा में देखने को मिलते हैं, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। 57, पाइनस के एक फीमेल शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? पाइनस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना है, माइंड यूज करना है। पाइनस के एक फीमेल शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है असंख्य, सेकंड है मात्र दो, थर्ड है एक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी फल नहीं बनता। अब देखो पाइनस, साइकस, ये सभी क्या है आपके जिम्नोस्पर्म की उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म, और ये क्वेश्चन मैं पहले ही भी करवा चुका हूँ कि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं पाया जाता है, और अंडाशय नहीं पाया जाता तो फल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि निषेचन के बाद अंडाशय से तो फल बनता है, तो इसमें एक भी फल नहीं बनता है। 57 के बाद में 58, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है तो ये कहलाता है? अंड द्वार यानी कि ये इस प्रकार से होता है, देखो अंड द्वार यहाँ पर होते हैं आपका चेलेजा वाला भाग, निभाग वाला भाग, और यहाँ पर होता है आपका जो अंड द्वार है, इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, एक सिरे पर अंड द्वार बीजांड के और एक सिरे पर निभाग या नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये ऑर्थोट्रोपस कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 59, पर्णों की मेसोफिल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की विधि विधि में मेनिटोल युक्त एंजाइम मिश्रण होते हैं, यानी कि पत्तियां हैं उनसे मेसोफिल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, उस विधि में हम मेनिटोल युक्त एंजाइम काम में लेते हैं, मेनिटोल युक्त एंजाइम का मिश्रण काम में लेते हैं, वो मिश्रण कौन सा है? सेलुलोज हेमिसेलुलोज का, हेमिसेलुलोज मेसेरोनाजाइम का, हेमिसेलुलोज पेक्टिन का और सेलुलोज और मेसेरोजाइम का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलुलोज और मेसेरोजाइम का। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो रक्षक गार्ड सेल्स होती हैं, जो स्टोमेटा में रंध्र में पाई जाती है, तो जल विभव का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन, इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, रेफाइड्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट, सेकेंड है कैल्शियम ऑक्सीलेट, थर्ड है कैल्शियम पैक्टेट और फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड से बने जो क्रिस्टल होते हैं वो रेफाइड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 61 क्वेश्चन देखे हैं, साथ में कुछ थ्योरी भी देखी, यानी ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस किया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देखो इस प्रकार की ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम है, KVS है, नीट है, RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, इन सभी में पूछे जा चुके हैं, और NCERT की बुकों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए साबित होने वाली है, और ये लगातार कब तक जारी रहेगी? देखो सेकंड ग्रेड का आप हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड की नई विज्ञप्ति आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी नई विज्ञप्ति आएगी, फिर KVS PGT और TGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसे क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रही हैं वो भी आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द फॉलोइंग एंजाइम इनिशियल्स डीएनए रेप्लिकेशन, यानी निम्न में से कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम डीएनए के द्विगुणन डीएनए रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है? देखो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी क्रिया होती है, रेप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है, एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है शुरुआत करने के लिए, आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर है इसका संश्लेषण हम किसके द्वारा करते हैं, तो यही हमें पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और फोर्थ आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो बाद में काम करेंगे ना, पहले आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी, आरएनए प्राइमर बाद में क्या करेगा, उसमें जो आपका डीएनए का संश्लेषण है रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा।
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगेन फ्रॉम। देखो कुछ जो है क्वेश्चन इस प्रकार के, जिसकी हमने हिंदी यहाँ पर नहीं की लेकिन आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन सामान्य। देखो जो जनन स्तर की हम बात करें, जनन स्तर मुख्य रूप से हम बात करें तो पहले जो आदिम प्राणी उसमें दो पाए जाते थे और फिर ये तीन हो गए थे, दो थे उसमें, एक तो एक्टोटा और एक था एंडोड्रम, जबकि बाद में तीन हो गए। ये तीन कौन से, एक तो एक्टो हो गया, एक बीच में मिजोड्रम हो गया और एक एंडोड्रम हो गया, तीन जनन स्तर बन गए एंडोड्रम। अब यहां पर पूछा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें ये तीनों हो और इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल किंगडम में, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है ये। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में तो क्या होता है, द्विस्तरीय होते हैं ये जनन स्तर, स्पंजेज पोरिफेरा में भी ऐसा होता है, एनिलेडा में भी यही है, द्विस्तरीय दो स्तर पाए जाते हैं, दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो आपका हेलमिंथीज होता है, हेलमिंथीज में देखो प्लेटी हेलमिंथीज की हम बात करें, प्लेटी हेलमिंथीज जो होता है चपटे कर्मी जिसे हम कहते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि तीनों जनन स्तर यहां से शुरू हो जाते हैं। और इसी में देखो क्वेश्चन बने, सिलोम वाला तो पूछ ले, सिलोम है वो कहाँ से शुरू होती है, तो सिलेम एस के एलमिंथिस से स्टार्ट होती है, लेकिन एस के एलमिंथिस में याद रखिए स्यूडो सिलेम पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है, और वास्तविक सिलोम है वो आगे एस के एलमिंथिस के बाद में कौन सा आता है, वहां से शुरू होती है, जिसमें एनिलेडा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कॉकरोच की कोलिट्रियल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। कोलेट्रियल जो ग्रंथियां होती है जो कि कॉकरोच में पाई जाती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन पहला पाचन, सेकंड है मैथुन, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कोकून यानी कोकून का निर्माण, और निषेचन। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेट्रियल जो ग्रंथियां होती है उनका मुख्य कार्य होता है कोकून का निर्माण करना। देखो कॉकरोच वाला टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, चाहे वो केवीएस का निकाल लो, फर्स्ट ग्रेड का निकाल लो, नीट का निकाल लो या आरपीसी सेकंड ग्रेड का निकाल लो, इन तीनों चारों में क्या आपका कॉकरोच वाला टॉपिक दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। स्टेमस डार्विन, इरेस्मस डार्विन, सॉरी इरेस आर है ये, इरेस्मस डार्विन, सेकेंड है लेमार्क, थर्ड है चार्ल्स डार्विन और फोर्थ है डीवरीज। देखो ये भी नहीं होगा, आपको पता होगा कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक है उसके द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद दिया गया था, लेकिन ये इरेस्मस ध्यान में रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये इरेस्मस नहीं होगा, ये चार्ल्स होगा। तो चार्ल्स डार्विन है उसके द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी। डीवरीज थे, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत दिया था, और लेमार्क ने क्या किया था, जो आपका जिराफ था उसके ऊपर प्रयोग किया था, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड को मैच करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहला जो दे रखा है फिशेज यानी कि मछलियाँ, आगे है ब्रेंकियल हार्ट, एम्फीबियंस ट्रांजिशनल हार्ट, रेप्टाइल्स डबल हार्ट और बर्ड्स में डबल हार्ट, ये आगे 4 में भी डबल ही लिखा हुआ है। अब देखो या 3 मान लीजिए, इसे भी 3 डबल हार्ट। फिशेज में क्या होता है, ब्रेंकियल हार्ट होता है, ये सही है आपका, फिशेज में ब्रेंकियल हार्ट होता है यानी एक होगा इसके सामने। एम्फीबियंस में ट्रांजिशनल हार्ट होता है यानी कि संक्रमित, जिसमें अब देखो यहाँ अपूर्ण हार्ट भी बोल सकते हैं इसे, अपूर्ण हार्ट। फिशेज में द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय हृदय, और इनमें अपूर्ण हृदय यानी कि त्रिकक्षीय हृदय होता है, त्रिकक्षीय हृदय होता है, इसमें हो जाएगा आपका 2। रेप्टाइल्स में भी त्रिकक्षीय हृदय या ट्रांजिशनल हार्ट देखने को मिलता है। बर्ड्स की हम बात करें तो इसमें डबल हार्ट हो जाएगा, डबल यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र बोल सकती हैं, या फिर इसे पेशीय जो हृदय होता है वो पाया जाता है, या फिर पूर्ण या चार कक्षीय हृदय वो इसमें देखने को मिलता है। मेमल्स में भी इसी प्रकार का हृदय देखने को मिलता है, हमारे अंदर पूर्ण होता है, चार कक्षीय होता है, पेशी हृदय होता है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा मैच खा रहा है, 1, 2, 2, 3, 3, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 8, फर्स्ट और सेकेंड को मैच करना, ये भी मैच वाला क्वेश्चन है, और एक तरफ जो आपकी कान है उस कान की अस्थियों के नाम दे रखें और एक तरफ उनकी आकृति को
दे रखे हैं। देखो एंगुलर, इनकस, आर्टिकुलर, मेलियस, हायोमेंडिबुलर, स्टेपीज और क्वाड्रेट टिम्पेनिक। तो एंगुलर होती है ये टिम्पेनिक अस्थि होती है, एंगुलर टिम्पेनिक, जो कान की हड्डी होती है ना कान के पास वाली, इसे टिम्पेनिक बोलते हैं और ये एंगुलर होती है। आर्टिकुलर की हम बात करें तो मेलियस होती है, ये सही है, आर्टिकुलर तो दो हो जाएगा इसमें। हायोमेंडिबुलर ये स्टेपीज होती है और इसमें तीन हो जाएगा, ये भी ठीक है। और स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी अस्थि। अगर पेशी पूछे सबसे छोटी तो स्टेपेडियस हो जाएगी, स्टेपेडियस। सबसे बड़ी अस्थि फीमर हो जाएगी। आगे देखो क्वाड्रेट टिम्पेनिक, या आगे दे रखा टिम्पेनिक तो मैच खा गया, बचा कौन सा, इनकस बचा, तो क्वाड्रेट क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। 4 2 3 1 किसमें है, 4 2 3 1, ये फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफ द CO2 इज ब्लड इज कैरीड, यानी कि मुख्य रूप से हम ब्लड के द्वारा जो CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है, तो मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में CO2 का परिवहन ब्लड में किसके द्वारा होता है। अब देखो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो तो RBC के साथ जुड़ करके अंदर चली जाती है, फिर CO2 बाहर निकालते हैं, तो ये जो CO2 होती है ये किसके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जुड़कर बाहर निकलती है, विद इन एरिथ्रोसाइट यानी RBC के द्वारा, सेकेंड है डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, एज बाइकार्बोनेट एसिड के रूप में, और ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट कार्ब एमिनो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये कार्ब एमिनो विद प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट एसिड के रूप में सबसे अधिक मात्रा में CO2 का परिवहन है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीफिथ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रीफिथ ने परीक्षणों को दर्शाया था, यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है इसके ऊपर ग्रीफिथ ने प्रयोग किया था, और इस प्रयोग को मुख्य रूप से कौन सी विधि के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया था। तो ग्रीफिथ ने एक चूहे को लिया था, चूहे पर भी इन्होंने प्रयोग किया था जिसमें DNA आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं इसके बारे में इन्होंने सिद्ध किया था। तो देखो ग्रीफिथ ने कौन सी ऐसी प्रोसेस थी जिसके द्वारा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर यह प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट शो किया था, पारक्रमण यानी ट्रांडक्शन, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, संयुग्मन कॉन्जुगेशन, तो ये रूपांतरण हो जाएगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, यूलोथ्रिक्स में पाइरिनोइड एवं क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और पाइरिनोइड वाला आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, पाइरिनोइड सेकेंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है ये, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में, पाइरिनोइड आरपीसी सेकेंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। देखो यूलोथ्रिक्स जो एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन सवाल है, इसमें पाइरिनोइड और क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है थोड़े पाइरिनोइड सहित एक हरित लवक, अनेक पाइरिनोइड सहित एक हरित लवक, अनेक हरित लवक एवं एक पाइरिनोइड, और इनमें से कोई नहीं। देखो क्लोरोप्लास्ट की संख्या तो एक होती है, लेकिन इसी क्लोरोप्लास्ट में अनेकों संख्या में क्या पाए जाते हैं, पाइरिनोइड पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनेक पाइरिनोइड सहित एक हरित लवक पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में, जो कि एक कोशिकीय सामान्यतः बोल सकते हैं शैवाल होती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन चुका है, यहाँ पर पाइरिनोइड में किसका संश्लेषण होता है, इसके चारों लेयर है वो क्या पाई जाती है। तो देखो मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो स्टार्च होता है इसमें, स्टार्च यानी कि मंड जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और एक प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है इसे तो इसके बीच में पाया जाता है और चारों ओर स्टार्च देखने को मिलती है, ये पाइरिनोइड की संरचना होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले। क्वेश्चन नंबर 14, किस में बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है, ये पूछा है, इनमें से कौन सा है जिसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं रहता है। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इसमें तो बीज बनता ही नहीं है, ब्रायोफाइटा में नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं। देखो एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें तो देखो अंडाशय पाया जाता है, और अंडाशय से क्या बनता है, इसमें फल बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होता है इसमें फल का निर्माण होता ही नहीं है, मतलब इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 15, एक कोशिकीय अंडाशय किसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये, एक कोशिकीय अंडाशय, ऑप्शन फर्स्ट है एस्टेरेसी, सेकेंड है रूटेसी, थर्ड है यूफोर्बियसी, और फोर्थ है लिलियसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एस्टेरेसी जो घास कुल होता है इसमें एक कोशिकीय अंडाशय पाया जाता है। आपने जो
गेहूं है उसका बीज वगैरह ये देखूंगी, उसके अंडाशय की हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, घास कुल आता है, और घास कुल एस्टेरेसिस जो होता है इसके अंदर एक कोशिकीय अंडाशय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस द्विबीजपत्री तने में सेवन फूल बिखरे होते हैं। यहां से देखो दो चीजें आपको यहां पर बता देता हूं, एक तो होता है द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप, और एक होता है एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री जो होता है इसमें व्यवस्थित रूप से सेवन फूल पाए जाते हैं, व्यवस्थित सेवन फूल, वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक बीजपत्री में क्या होते हैं, जो कॉर्टेक्स से वल्कुट वाला भाग है उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं, बिखरे हुए सेवन फूल होते हैं। और यहां पर क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा द्विबीजपत्री पादप है और उसका तने में क्या होता है सेवन फूल बिखरे हुए पाए जाते हैं। देखो सेवन फूल बिखरे हुए किसकी विशेषता होती है, एक बीजपत्री की होती है, लेकिन इस प्रकार के कुछ उप अपवाद भी मिल जाते हैं द्विबीजपत्री पादपों में जिनमें बिखरे हुए सेवन फूल देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निकटेन्थस, सेकेंड है पेपेवार, थर्ड है हिबिस्कस, और फोर्थ है सिट्रस। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, निकटेन्थस जो होता है जो कि एक द्विबीजपत्री पादप होता है और इसमें सेवन फूल एक बीजपत्री के समान होते हैं बिखरे हुए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइबोसोम आर कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम किससे संबंधित है, किसके संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। ऑप्शन फर्स्ट है लिपिड के संश्लेषण से, सेकंड है आरएनए के संश्लेषण से, और थर्ड है पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण से, और यहाँ पर फोर्थ और कर लीजिए डी वाला, डी वाला क्या करें, न्यूक्लिक एसिड कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण से। तो जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का, और प्रोटीन क्या होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही होती है, तो ये पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, जो कि झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, ये झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होता है। प्रोटीन के संश्लेषण करने के कारण इसे सेल की कोशिका की क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे सेल की, राइबोसोम को सेल ऑर्गेनल्स, सेल में सेल ऑर्गेनल, कोशिका में कोशिकांग भी इसे कहा जाता है, तो कई नाम है इसके ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन इनमें से कौन सा है, वाष्पोत्सर्जन के समय खनिजों के साथ साथ जल वायुमंडल में वाष्पित होता है। तो वाष्पोत्सर्जन में देखो सबसे अधिक मात्रा में तो जल होगा, इसमें पहले खनिजों के साथ साथ नहीं, जल के साथ खनिजों का भी कुछ मात्रा में क्या होता है वाष्पन होता है, ऐसा होता तो ये सही हो जाता, ये तो गलत हो जाएगा। श्वसन के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि श्वसन, वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये आपके जो नीचे का जो वायुदाब रूट कैप के अंदर या जड़ के अंदर जो मूल दाब बनता है उस मूल दाब से सीधा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रणाभ वृंत में रूपांतरित तने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं, फिलोक्लेट। ये आपका राइट हो जाएगा, सही है, क्योंकि आपने जो नागफनी है केकटस है ये नाम सुने होंगे, इसमें जो तना होता है वो तो क्या करता है एक पत्ती का रूप धारण कर लेता है, इस प्रकार से फिलोक्लेट जिसे हम कह सकते हैं, पत्तियां होती है इस प्रकार से कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और ये जीरोफाइट प्लांट है, ये कह सकते हैं जीरोफाइट प्लांट मरुद्विधि पादप है, और ये मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं, और प्रणाभ वृंत में रूपांतरित होने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन कम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं ये कम करते हैं। फोर्थ, मांसल पत्तियों वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन अधिक करते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पीसीआर अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रयोग में लिया जाता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसमें कौन सा एंजाइम है जो उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टैक पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। देखो डीएनए टैक पॉलीमरेज जो होता है इसी को काम में लेते हैं या पीसीआर में, जिसमें डीएनए की लाखों संख्या में कॉपियां तैयार की जाती है, और ये जो होता है थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया होता है उसके उससे प्राप्त किया जाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 20, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर इसके लिए बढ़ते हैं, यानी एपीफाइट पादप जो होते हैं ये दूसरे पौधे पर अपनी वृद्धि करते हैं, अंकुरित होते हैं, तो क्या चाहिए कि वो दूसरे पौधे पर अपने आप अपनी जो वृद्धि करते हैं। देखो एपीफाइट पहले तो पता होना चाहिए, एपीफाइट पादप कहाँ पाए जाते हैं, ये कौन से होते हैं,
देखो जो दलदली वाला भाग होता है, दलदली, वहां पर अगर कोई बीज नीचे पड़ेगा तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, उस दलदल में ही धस जाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे आर्किड वगैरह कुछ पादप होते हैं जो दूसरे पादपों के ऊपर ही पाए जाते हैं और वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, एपिफाइट पादप कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि पौधे इस किसके लिए बढ़ते हैं या क्या प्राप्त करते हैं उन पौधों से। तो ये मुख्य रूप से आश्रय स्थल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसे ये नीचे गिरेंगे वहां पर ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है और दलदल में धस जाएंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो आश्रय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उन पादपों पर रहते हैं। तो ये आश्रय हो जाएगा, शेल्टर, आवास। क्वेश्चन नंबर 21, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है, फॉस्फेट समूह है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजिनस क्षारक, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजिनस क्षारक, नाइट्रोजिनस क्षारक, फॉस्फेट समूह है, नन ऑफ दीज। अब देखो एक तो न्यूक्लियोसाइड होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, न्यूक्लियो टाइट। इन दोनों के नाम में छुपा है सब कुछ। देखो साइड से पकड़ लीजिए, साइड मतलब दो साइड, लेफ्ट राइट, ऐसा याद कर लीजिए। साइड कितनी, एक तो लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट राइट दो साइड, यानी कि जिसमें दो अणु हैं। दो अणु कौन से, एक तो पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजनस क्षारक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगर इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक तो मिला हुआ, पेंटोज शर्करा और मिला दे, देखो यहाँ पर टाइड लिखा हुआ, टाइड से थ्री कर लीजिए, टाइड से थ्री, THR3, थ्री थ्री यानी कि तीन अणु जिसमें होते ही हैं, एक तो फोस्फेट समूह है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजिनस क्षारक, ये तीनों अगर हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों ही याद होने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड, इसका आंसर हो जाएगा पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजिनस क्षारक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। 21 के बाद में आता 22, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, हाइड्रा में पुनर्जनन है ये किसके द्वारा होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में पुनर्जनन जो होता है, फर्स्ट है अभिरूपांतरण, संरचना विकास और मॉर्फोलैक्सिस, और फोर्थ हो जाएगा अभिरूपांतरण या संरचना विकास दोनों। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी दे रखा है ये राइट हो जाएगा, मॉर्फोलेक्सिस है, इसके द्वारा हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पेलीमोन यानी कि झींगा मछली जिसे हम कहते हैं, झींगा मछली, पेलीमोन की जो स्टेटोसिस्ट होते हैं, पेलीमोन में स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटिका जिसे हम कहते हैं वो पाई जाती है, ये कहाँ उपस्थित होती है, एंटेनल में, एंटेनल में, मैगजीली में, मैगजीलेट में और एंटीनी में। तो जो एंटीनल होता है इसमें आपकी जो पेलीमोन झींगा मछली है उसमें स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विषमगर्ती सेंट्रम, हेटरोसीलस जो सेंट्रम होता है ये किसका अभिलक्षण है, मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, विषमगर्ती सेंट्रम इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उभयचर में, एम्फीबियंस, रेप्टेल्स यानी सरीसृप में, बर्ड्स यानी पक्षियों में, मैमल्स यानी स्तनधारियों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पक्षियां होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें विषमगर्ती सेंट्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। तो संसूत्री विभाजन होता है जिसमें चार अवस्थाएं मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ऐसे लिख दिए, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें पूछा कौन सी अवस्था है, संस्कृति विभाजन के अंदर केंद्र कला अदृश्य होती है, तो केंद्र कला तो प्रोफेज में लुप्त होती है, लेकिन प्रोफेज के भी यहाँ पर दो भाग दे रखे हैं, देखो एक तो प्रारंभिक पूर्वावस्था यानी अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज, एक मेटाफेज और एनाफेज। तो यहाँ पर जो केंद्र कला जो लुप्त होती है ये कौन सी अवस्था में अदृश्य होती है, तो लेट प्रोफेज में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुणसूत्रों का जो विभाजन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो ये एनाफेज में होता है, पश्चावस्था में। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है, सीनो जो कुछ युग दे रखे हैं, काल दे रखे हैं, और कौन से काल में कौन से जीव की उत्पत्ति हुई थी। सीनोजोइक, लाइफलेस अर्थ, मीजोजोइक, एज ऑफ फिशेज, पेलियोजोइक, एज ऑफ मेमल्स, आर्कियोजोइक, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब यहाँ पर जो देखो फर्स्ट ऑप्शन है सीनोजोइक, सीनोजोइक मेमल्स वाले काल को कहते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, तो तीन हो जाएगा। मीजोजोइक की बात करें तो ये फिशेज से संबंधित है, ये ठीक है।
आप पेलियोजोइक है तो ये होता है आपके रेप्टाइल से संबंधित, तो इसमें तीन हो जाए चार हो जाएगा। आर्कियोजोइक के अंतर्गत हम बात करें तो ये हो जाएगा लाइफलेस अर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो तीन दो चार एक इसमें है, तीन दो चार एक, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर गलत कर दिया, तो एक बार दोबारा से मिलान करने की कोशिश करते हैं। सीनोजोइक ठीक है, मेमल्स में आ गया। मीजोजोइक में चार आ जाएगा, सॉरी मीजोजोइक में रेप्टाइल्स आ जाएगा, रेप्टाइल्स। पेलियोजोइक में फीसेज आ जाएगा, दो फीसेज जिसे हम बोलते हैं पेलियोजोइक। आर्कियोजोइक में लाइफलेस फीसेज हो जाएगा, तो तीन चार दो एक होगा, तीन चार दो एक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द पेस मेकर, गति निर्धारक, द पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड। देखो हमने मेंढक के हार्ट की भी बात की थी, मेंढक का हार्ट और ह्यूमन का हार्ट सेम होता है, सेम वैसे तो नहीं होता क्योंकि इसमें चार कक्षी होता है, उसमें तीन कक्षीय मिलता है, लेकिन जो इसमें पेस मेकर से संबंधित हम बात करें तो वो क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो ह्यूमन का हार्ट जो होता है उसमें इस प्रकार से चार कक्षक होते हैं, ये आपका राइट ओरिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट ओरिकल हो जाएगा, दायां अलिंद बायां अलिंद, ये राइट वेंट्रिकल दायां नीले, और ये राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले। तो यहाँ पर जो पेस मेकर की हम बात करें तो पेस मेकर यहाँ पर उपस्थित होता है, तो कहाँ होता है, ये राइट ऑरिकल में होता है, दाएं आलिंद में होता है, राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं इसे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, मेंढक में भी ऐसा ही मिलता है, मेंढक में भी राइट एट्रियम ही हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछे तो। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपेथेटिक नर्व है ऑफ हार्ट एक्सिलरेट द हार्ट बीट एज ए रिजल्ट, यानी सिंपेथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो हार्ट है उसमें जो हार्ट बीट, जो हृदय की धड़कन होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, और उस बढ़ाने के बाद में हमारे पास क्या परिणाम प्राप्त होता है। दोबारा से मैं बोल देता हूँ कि सिंपेथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो वो हार्ट की जो हार्ट रेट है, हृदय धड़कन है, उसको बढ़ा देता है, तो परिणाम स्वरूप क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है। रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, तो एसिटिल कोलिन का मुक्त होना, इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज का प्रतिबंधित होना, नोर एड्रिनलिन का रिलीज होना, और इनहिबिशन ऑफ डोपामिन, डोपामिन का प्रतिबंधित होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब हार्ट बीट बढ़ जाती है सिंपेथेटिक नर्व के द्वारा तो ये रिलीज नोर एड्रिनलिन का रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हो वैसे तो 31 हो गया, 29 का 30 का मिस हो गया यहाँ पर। 31 का क्वेश्चन है, कोल्चिसिन प्रभाव डालता है, तो कोल्चिसिन से कौन प्रभावित होता है इसमें, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, स्पिंडल का संगठन और गुणसूत्र विभाग। देखो कोल्चिसिन जो होता है हमारा जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन जो होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि कोल्चिसिन है ये कोशिका विभाजन को अवरुद्ध कर देता है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन से संबंधित एक ही सेंटेंस दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल के निर्माण को या संगठन पर ये प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू, इनमें से फाइटोप्लाज्मा सबसे अधिक किससे संबंधित है, एल्गी से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बैक्टीरिया से संबंधित होता है, जीवाणु से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फोलियोज लाइकेन का उदाहरण कौन सा, जो लाइकेन, लाइकेन होती क्या है। देखो यहाँ पर एक तो शैवाल घटक होता है, शैवाल, और शैवाल के साथ में जो कवक होती है फंजाई, ये दोनों मिलकर के जब सहजीवन करते हैं, सहजीवी सिम्बायोसिस करते हैं, तो उसे कहते हैं लाइकेन। तो शैवाल वाला घटक शैवलांश कहलाता है, सेवलांस कहलाता है, कवक वाला घटक कवकांत कहलाता है, कवकांस, कवकांस या फाइकोबायोंटिया। अब ये दोनों घटक मिलकर के क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, सजीवन दर्शाते हैं। सैवाल वाला होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण, और कवक को भोजन प्रदान करने का कार्य करता है, फूड। कवक वाला जो घटक होता है ये सैवाल को क्या करता है, आश्रय यानी कि शेल्टर या आवास प्रदान करने का कार्य करता है, तो ये होता है लाइकेन। इसमें पूछा फोलियोज लाइकेन का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है पारमेलिया, सेकंड है क्लेडोनिया, थर्ड है असनिया, और फोर्थ है ग्रेपिस। ये सभी क्या है,
लाइकेन के उदाहरण है, तो पार्मेलिया जो होता है ये फोलियोज लाइकेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में बहुवर्णता का मुख्य उदाहरण है। देखो पाइनस जो होता है, पाइनस किस वर्ग का है ये, तो ये है जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का ये प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में ही बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म में। तो जो पाइनस है, साइकस है, ये सभी क्या जिम्नोस्पर्म के ही पादप होते हैं, वर्ग के ही। तो इनमें जो बहुभ्रूणता होती है ये किस कारण से देखने को मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता, सेकेंड है रोसेट पॉलीएम्ब्रियोनी या यूजी बहुभ्रूणता, थर्ड बोथ ऑफ द मेथड सभी हो जाएंगी, और नन ऑफ देज हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें जो पाइनस में बहुभ्रूणता, वो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी विदलन बहुभ्रूणता का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, मूंगफली क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है मध्य जगत का पादप, सेकंड है नई जगत दुनिया का पादप, और थर्ड है आधुनिक युग का पादप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मूंगफली आधुनिक युग का पादप है। 36, निम्न में से कौन अर्गट एल्कलॉइड का स्रोत है? एर्गट एल्केलोइड जो होते हैं ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्कोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो पेनिसिलियम से क्या होता है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो प्राप्त होती है। न्यूरोस्पोरा ये आपके आनुवंशिकी में काम में लिया जाता है, इसे प्लांट किंगडम का इंजीनियर भी कहते हैं, प्लांट किंगडम का इंजीनियर भी कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को। क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो होता है उससे अर्गट एल्केलोइड प्राप्त होता है। 37, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत में जुड़े हुए सहव्रंत कण कहलाते हैं। अब देखो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस प्रकार से होती है, इसकी आंतरिक विलीय भित्ति जो होती है इस प्रकार से अंदर की ओर वलित होती है, कि मैंने बाहर वलन, चलो ठीक है, ये इस प्रकार से वलित होती है। तो ये वाली जो संरचना है जो आंतरिक झिल्ली पर पाई जाती है, जो उभार रूपी संरचना, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे इस प्रकार से सहवरंत कण पाए जाते हैं, इन कणों का नाम पूछा है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी कौन कौन सी क्रिया होती है, एक बार वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो एक तो क्रेब्स चक्कर होता है, एटीएस की क्रिया इसके अंतर्गत होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि श्वसन की अधिकांश प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह भी कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह। शक्तिग्रह भी कहा जाता है। अब देखो आंतरिक परत पर जो क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर ये जो संरचना पाई जाती है ये ऑक्सीसोम कहलाती है। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीसोम, या इसे फर्नांडीज मोरान कण भी कहते हैं। 39 है, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व बाय, वेटलैंड डे है वो किस दिन मनाते हैं? 2 मार्च, 3rd, 2 फरवरी, 2 अप्रैल और 2 मई। तो सभी सेकंड देखे, सेकंड डेट है इसकी, तो 2 फरवरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40 का है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो प्रोड्यूसर होता है उसके बाद जितनी जो ऊर्जा ऊर्जा पाई जाती है, जो स्थिर हो जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, उत्पादन सॉरी उत्पादन नहीं उत्पादन, और फोर्थ है सकल प्राथमिक उत्पादन या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो यही हो जाएगा फोर्थ, सकल प्राथमिक उत्पादन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, तो जीन जो होते हैं मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डीएनए के, ये हमें सभी को पता है, और कुछ में डीएनए प्रोटीन भी साथ में मिल जाती है, तो प्रोटीन वाला भी हो जाएगा। 42 है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। देखो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होता है, और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है, इस कारण इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, पादप जगत
जोकर, पादप जगत का जोकर भी इसे कहते हैं। और एककोशिकीय जीव, देखो मैंने पहले ही बताया था मोनेरा में क्या होते हैं, एककोशिकीय जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में एककोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, कवक फलांटी इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मोनेरा। इसे देखो पीपीएलओ भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया, पीपीएलओ किसे कहते हैं, और सबसे छोटी कोशिका भी यही होती है, माइकोप्लाज्मा। 43, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में, ओबेलिया में, ओरेलिया में, ट्यूबिपोरा में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओबेलिया में देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। 44 है, सीप का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर विशेष प्रकार के जो घोंगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये कोंकोलॉजी कहलाता है, जिनसे मोती प्राप्त होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, कोंकोलॉजी कहते हैं। और मोलस्का के अध्ययन को हम मोलस्का विज्ञान कहते हैं, मेलेकोलॉजी। एंटेमोलॉजी और ओफियोलॉजी, सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकोर्डेट्स इज सेड टू बी द फोर रनर ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स जो स्तनधारी प्राणी हैं, वर्टिब्रेटा वाले प्राणी हैं, उनमें थायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है। तो यूरोकोर्डेट्स होता है उसके अंदर ये जो ग्रंथि होती है थायरॉइड, इसका पूर्ववर्ती रूप पाया जाता है, उस ग्लैंड्स को हम यूरोकोर्डेट्स में क्या कहते हैं, जिसे हम थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं, उसे न्यूरल ग्लैंड, एंडोस्टाइल, डोर्सल ट्यूब, ट्यूब्रिकल और पाइलोरिक ग्लैंड। तो एंडोस्टाइल हो जाएगा इसका आंसर, एंडोस्टाइल। 46, द फिनोमेनन इन विच ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड, यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक लक्षण को कोई एक जीन प्रदर्शित कर रही है, एक से अधिक लक्षण को कोई एक जीन प्रदर्शित कर रही है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेनेट्रेंस, पोलीडेक्टाइली, पोलीप्लोइडी और प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी हो जाएगा ऑप्शन डी। 48, इन इंजर्ड पर्सन ऑफ अननोन ब्लड ग्रुप नीडिंग इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी गिवन द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन सा ब्लड हम दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चोट लग जाती है, चोट लगने पर उसे क्या चाहिए, ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें इसका ब्लड पता नहीं है कि क्या ब्लड है, और ये ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में है कि उसको तुरंत बिना जांच के ब्लड देना पड़ रहा है, तो ये कौन सा ब्लड है वो हम इसे बिना जांच करके भी दे सकते हैं, ए बी और ओ। तो ओ ब्लड ऐसा होगा जिसे हम बिना जांच करके भी दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसे चोट लगी या इंजर्ड हुआ है। 49, मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है, सेकंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में कितने कंकाल नर्व पाए जाते हैं, तो 10 होते हैं, ध्यान में रखना ये। और मेंढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका इसमें कौन सी हो जाएगी, ट्रैकलियर तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका, वेगस तंत्रिका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व होती है वो ही होती है द्वितीय कपालीय तंत्रिका। 50, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, फिशेज, मेमल्स, बर्ड्स। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया मैंने और ये आया हुआ क्वेश्चन है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। फिशेज वाला पहले ही काट दीजिए, यहाँ पर ये हो गया और इसमें एम्फीबिया आ गया, तो एम्फीबिया काट दीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मेमल्स में पाया जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। 54, विच ब्रायोफाइट हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड, ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसमें बड़ा क्लोरोप्लास्ट हरित लोहक पाया जाता है और बड़ा ही पाइरिनोइड पाया जाता है, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और पेलिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथोसिरोस में बड़े आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, पाइरिनोइड है वो पाया जाता है। 56, लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेज, जो हम हायरार्की बनाते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, तो उसमें सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास। तो ये स्पीसीज हो जाएगी, जाति हो जाएगी, फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड किया गया है, मतलब तीन गलत हैं एक सही है, वॉलनट, केरोटेलेरिया जंसिया, ग्राउंड नट, एरेकिस हाइपोइजिया, कोकोनट, एरेकी
अरेका कटेचू, केशव नट, और ये हो जाएगा पुरुनस पर्सिका। तो ये ग्राउंड नट जिसे हम मूंगफली कहते हैं, इसी का साइंटिफिक नेम है एरेकिस हाइपोजिया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्टली मैच है। T8। नेक्स्ट है द मेज डिप्लोइड क्रोमोसोम्स। एक मक्का का मक्का में जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लोइड हैं, द्विगुणित हैं, और इनके नंबर कितने हैं द्विगुणित में? 20 हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन ए सेल एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है जिसमें सेम जो सेल्स होती है, पहले पूर्ववर्ती सेल उसी के समान सेल बनती है। अगर इसमें 20 क्रोमोसोम्स है तो उसमें भी 20 आगे होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो आपकी अंतरावस्था होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। 20 हैं तो 20 से 40 हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज अवस्था में क्या हो जाएगा? मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित में 20 थी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 40 हो जाएगी। क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं ये अलग अलग सिरों पर जाने लग जाते हैं, आधे गुणसूत्र इधर जाते हैं, आधे यानी कि 20 इधर और 20 इधर, और फिर जाकर के ये अलग सेल बन जाती है, ये अलग बन जाती है, तो दोनों सेलों में 20-20 रह जाते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी मेटाफेज स्टेट में? 40 हो जाएगी। 59। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है। सूर्य के प्रकाश की जो हरी किरणें हैं, ग्रीन वेवलेंथ, इनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, क्लोरोबी क्लोरोफिल बी और फाइको इरिथ्रिन। इसी डी हो जाएगा, फाइको इरिथ्रिन हो जाएगा। 60। विद रिफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपके जैव विविधता से संबंधित है, और जैव विविधता में इंडिया के अंदर जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है, ये पूछा है। इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? जेनेटिक प्लान, वेस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, डेकन प्लाटू। तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, जो कि इंडिया में क्या है, हॉट स्पॉट है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि व्याख्या सहित हैं। तो इस प्रकार से आपके 60 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए, कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ये जो बायोलॉजी की मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, मॉडल पेपर, तो ये आपके जो एग्जाम है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, इसके अलावा बात करें केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी है, पीजीटी टीजीटी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बायोलॉजी आपको जो एनसीईआरटी की है वही पढ़नी पड़ती है सभी में, और बायोलॉजी में कुछ परिवर्तन होता नहीं है। इस कारण से मैंने सभी के लिए कंबाइंड सीरीज बनाई, क्योंकि वो क्वेश्चन आजकल क्या करते हैं जो केवीएस वाले, तो क्या करते हैं जो स्टेट का एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं, और स्टेट वाले केवीएस वाले के उठा लेते हैं। इसलिए मैंने जो आरबीसी बोर्ड यानी कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होते हैं टीचर्स के, उनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी उठाए हैं, केवीएस के एग्जाम से बनते हैं वो भी मैंने उठाए हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रक्रिया जिसका नतीजा है जिन्स के नए संयोगों का एकल कोशिका में समाकलन, यानी कि कोई भी प्रक्रिया जिसमें एक जीन लेते हैं इधर से, एक जीन दूसरा जीन लेते हैं, इन दोनों को समाकलित करके तीसरा जीन बना लेते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी आनुवांशिक पुनर्संयोजन, सेकेंड है फ्यूजन यानी कि संलयन, थर्ड है जेनेटिक फिशन यानी आनुवांशिक विखंडन, और फोर्थ है एलेलोटाइपिंग। तो यहाँ पर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आनुवांशिक पुनर्योजन के द्वारा हम किसी दो जीन है यानी कि एक जीन के अच्छे गुण दूसरी जीन के अच्छे गुण मिलाकर के एक नई अच्छे गुण वाली किस्म हम तैयार कर सकते हैं, और इसी के आधार पर बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो प्लेनुला लार्वा जो होता है, प्लेनुला लार्वा किसका है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रख लीजिए जो मुख्य मुख्य फाइलम के लार्वा हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रा, सेकंड ओबेलिया, थर्ड है कोम्ब जेली, और फोर्थ है इकाइनोकोकस। तो प्लेनुला लार्वा जो होता है ये आपके ओबेलिया में पाया जाता है, और ओबेलिया किस संघ का प्राणी है? ये सिलेंट्रेटा का है, सिलेंट्रेटा का ध्यान में रखना, मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3।
कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है, इनमें से कौन सा जो प्रिमिटिव मोलस्क है, बहुत ही पुराने समय में जो शुरुआत में पैदा हुआ था, इस प्रकार का मोलस्क कौन सा है, आदिम मोलस्क। ऑप्शन फर्स्ट है काइटन, सेकंड है डेंटेलियम, थर्ड है नियोफिलाइना और फोर्थ है पटेला। जो डेंटेलियम होता है इसे हम हाथी दांत भी कहते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है नाम के रूप में। और नियोपिलाइना जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा, सबसे आदिम मोलस्क यही होता है और इसे हम एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कहते हैं, एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कहा जाता है नियोपिलाइना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जिसमें हिंदी नहीं टाइप कर पाया क्योंकि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन तैयार किए गए थे। एक्सक्रेशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस, तो हर्डमानिया में किसके द्वारा एक्सक्रेशन होता है, हर्डमानिया उत्सर्जन किसके द्वारा है होता है हर्डमानिया में। ऑप्शन फर्स्ट है नेफ्रोसाइट, सेकंड है न्यूरोगैंगलियन, थर्ड है न्यूरल ग्लैंड और फोर्थ है सोलेनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरल ग्लैंड के द्वारा इसमें एक्सक्रेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, फोर हो गया ना, फाइव नंबर का क्वेश्चन है। डीएनए सिक्वेंस विच कैन चेंज दियर पोजिशन आर कॉल्ड, यानी कि डीएनए की सीक्वेंस है उनमें लगातार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, इस प्रकार के जीन को हम क्या कहते हैं। कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है उसमें जीन पाई जाती है, वो जीन इस प्रकार की होती है जो अपनी पोजीशन यानी जो स्थिति होती है उसको परिवर्तित करती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सोन, सेकेंड है इंट्रोन, थर्ड है ट्रांसपोजोन्स और फोर्थ हो जाएगा सिस्ट्रोन्स। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोजोन्स, जिसे हम जंपिंग जीन भी कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं, और इसी बारबरा मैकलिंटोक नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये क्या करती है, उछल उछल करके अपनी स्थिति चेंज करती रहती है डीएनए सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 6, जावा मानव वाज डिस्कवर्ड, यानी जावा मानव की खोज ये किसके द्वारा की गई थी। देखो इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना, उसकी जो होमोसेपियंस का जो किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, और ऊपर से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से क्योंकि ज्यादा डिटेल से उसमें जाते नहीं सामान्यतः। तो जावा मानव की खोज की गई थी यूजीन ड्यूबोइस ने, यूजीन ड्यूबोइस ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, आयरन इज नॉट फाउंड, यानी इनमें से कौन सा जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता इनमें से कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोग्लोबिन, सेकंड है हीमोसाइनिन, थर्ड है निसल ग्रेन्यूल्स और फोर्थ है बी वैसी। अब देखो इनमें देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये हमारे ब्लड में पाया जाता है श्वसन वर्णक के रूप में, श्वसन वर्णक के रूप में, और ये क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो चार ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। और इसमें देखो दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो हीम समूह होता है, एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हीम समूह जो होता है इसमें आयरन उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखना है। हिमोसाइनिन ये जो मोलस्क और जो आर्थोपोडा है, आर्थोपोडा एक कुछ प्राणी होते हैं लेकिन मोलस्क में लगभग सभी में हिमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है और इसमें कॉपर धातु पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। निसल ग्रेन्यूल्स ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका जो होती है, इस तंत्रिका कोशिका का जो आगे वाला भाग है जिसे हम बॉडी या सोमा कहते हैं, इसे काई भी कहते हैं, इसमें पाया जाता निसल ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोसाइनिन और निसल ग्रेन्यूल्स में आयरन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। देखो जितने भी क्वेश्चन है ये सभी बाइलिंगुअल हैं, आपको अंग्रेजी में मिलेंगे और हिंदी में मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी में ही बता रहा हूँ, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे। तो कौन सा हिस्सा अगर हमारे मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त हो जाए तो हमारी याददाश्त चली जाती है। अब देखो मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है मेडुला, सेकंड है सेरेबेलम, थर्ड है सेरेब्रम और फोर्थ है हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं, आंसर की लास्ट में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हाइपोथैलेमस जितनी भी संवेदनाएं हैं, ताप ताप ग्रहण प्रेम प्रेम प्यार, ये सभी जो संवेदनाओं से संबंधित होते हैं इन सभी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। सेरेब्रम ये हमारे बॉडी जो होती है उसकी मेमोरी होती है, यानी जितनी भी जो सूचनाएं हैं वो सभी इसी में स्टोर रहती है सेरेब्रम में। सेरेबेलम बैलेंस यानी संतुलन बनाने का कार्य करता है, संतुलन बनाने का। और मेडुला ऑब्लॉगेटा जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे कि उल्टी उल्टी होना,
छींक आना, ये सभी अनैच्छी क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला अम्ला बेटा करता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाए जब मनुष्य याददाश्त कमजोर आ जाती है, और याददाश्त से संबंधित यहाँ पर क्या है, सेरेब्रम। ब्रह्म से याद कर लो, ब्रह्म से ब्रेन और ब्रेन से मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड भी, इनमें से कौन सा, यानी कोई भी हम नेशनल पार्क बनाते हैं तो उसमें किसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं इनमें से। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा होता क्या, देखो जितने भी पादप हैं उन पादपों से संबंधित जो होता है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। फोना के अंदर आपके जितने भी जीव हैं, जीव जंतु वो आ जाएंगे फोना में। ऑप्शन थर्ड है बोथ फ्लोरा एंड फोना, और फोर्थ है कंप्लीट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो नेशनल पार्क है उसमें फ्लोरा और फोना दोनों को ही हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मैक्रो मोलिक्यूल्स एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। मैक्रो मोलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े अणु हैं, वो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की द्वारा सेल्स में एंटर करते हैं तो ये किस प्रकार की क्रिया कहलाती है। देखो डिफ्यूजन जो होता है ये तो सीधे ही एंटर कर जाते हैं, एंडोसाइटिसिस में कोई भी जो पदार्थ होता है उसको बाहर से जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको घेर करके अंदर ले लेती है, जो कि फेगोसोम या पिनोसोम का निर्माण करती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्सोसाइटिस का मतलब बाहर निकालना, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी कैरियर प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, कैरियर प्रोटीन यानी वाहक के रूप में, जो किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को पकड़ती है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा उसे बाहर धकेल देती है, अंदर की ओर धकेल देती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु द्वारा, सेकंड है वायरस यानी विषाणु द्वारा, थर्ड है फंगस द्वारा, और फोर्थ है नेमेटोड्स द्वारा। तो एफ्लाटॉक्सिन जो कि जहरीला पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, ये फंगस के द्वारा उत्पन्न होता है। फंगस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल्स। अब देखो जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल तीन पार्ट में बटी होती है, इसकी बॉडी, कैप्सूल, सीटा, इस प्रकार से। तो जो कैप्सूल होता है इनमें इलेक्ट्रोफोर्स कौन से पादपों में मिलते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें, रिक्सिया एंड मार्सिलिया, एंथोसिरोस एंड स्पेगनम, पेलिया एंड रिकार्डिया, और पोरेला एंड फ्यूनेरिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेलिया एंड रिकार्डिया में क्या होता है, जो कैप्सूल होता है उसमें इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर मार्केशिया वाला भी ध्यान में रख, मार्केशिया में एक जेमा कब पाया जाता है, जिनके द्वारा जेमा जो कायिक संरचना होती है उसके द्वारा जनन होता है। रिक्सिया का सबसे सरलतम यानी कि सबसे सरलतम स्पोरोसिस्ट है, इसी का पाया जाता है, स्पोरोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आता है 13, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता, यानी जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें फल नहीं बनता, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है परागण नहीं होता, परागण तो होता है, बीज रहित पादप, इसमें कोई अंडाशय नहीं पाया जाता, निषेचन की क्रिया नहीं होती। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें सामान्यतः हम बात करें तो अंडाशय नहीं पाया जाता, क्योंकि अंडाशय ही होता है जो आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, फल में बदलता है, निषेचन के बाद ये फल का निर्माण करता है, तो अंडाशय नहीं होता, इस कारण इनमें फल नहीं बनते जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया। देखो जो व्हिटेकर थे, व्हिटेकर जो थे इन्होंने पंच जगत वर्गीकरण दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम दिया था इन्होंने, और इनमें जितने भी जीव हैं यहाँ इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनको पांच जगत में विभाजित किया था। पहला था मोनेरा, और सेकंड प्रोटेस्टा, थर्ड फंजाई था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फंजाई, और यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा प्लांटी, और फिफ्थ हो जाएगा एनिमिलिया। तो जितने भी एक उनको मोनेरा में रखा गया, और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है उनको प्रोटिस्टा में रखा गया, जितने भी फंगस हैं उनको फंजाई में रख दिया या माइकोटा भी जिसे हम कहते हैं, और प्लांटी में जितने भी पादप वो आ गए, एनिमिलिया में एनिमल्स आ गए। तो क्वेश्चन में पूछा प्रोकैरियोटिक जीव को किस में रखा गया, तो मोनेरा में रखा गया, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 है ना, हाँ 15, व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट सुटेटेड फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन के लिए।
समसूत्री विभाजन के लिए सबसे सुटेबल पादप भाग कौन सा होता है, कि ऐसा पादप का भाग लें जिससे आसानी से समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट है एंथर, सेकंड है रूट टिप, थर्ड पीसेज ऑफ बार्क, और फोर्थ हो जाएगा सूट अपेक्स। देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो रूट टिप्स होती है यानी कि जड़ का जो आगे वाला भाग होता है, ये वाला जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो लगातार विभाजन करती है, तो ये वाला पार्ट हम लेते हैं किसके लिए, समसूत्र विभाजन के अध्ययन के लिए। अगर माइटोमियोसिस पूछ लिया जाते, अर्धसूत्री विभाजन पूछ लिया जाए, अर्धसूत्री विभाजन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर एंथर हो जाएगा, यानी प्राक्कण का अध्ययन करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आर्टिकल ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से संबंधित नीचे आर्टिकल्स दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है इकोसिस्टम से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट है साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स, मिनरल का साइकिलिंग होता है, पुनर्चक्रण होता है मिनरल्स का। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैविक घटक है, जैविक घटक इस प्रकार से। पिरामिड्स ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड्स भी मिलते हैं, जिसमें पिरामिड्स की बात करें तो उसमें बायोमास का है, संख्या का है, ऊर्जा का पिरामिड है, ये सभी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी दे रखा है साइकिलिंग ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का साइकिलिंग नहीं होता है, एनर्जी आगे से आगे लॉस होती रहती है। जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है, तो इसका 10%, ये जो नियम था ये लिंडमान ने दिया था, लिंडमान ने, लिंडमान नियम भी कहते हैं, तो ये 10% ऊर्जा ही आगे वाला जो होता है उसको प्राप्त होती है, फिर आगे वाले को 10% लॉस, 10% ऊर्जा ही आगे वाले को प्राप्त होती है, यानी कि 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है हीट के रूप में, तो ऊर्जा का साइकिलिंग नहीं होता है, तो यही इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाद विहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं, तो एम्फीबिया के प्राणी हैं जो उनको मुख्य रूप से तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एनुरा, यूरोडेला और जिम्फोफियोना। इसमें पूछा है कि पाद विहीन एम्फीबियन प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकमात्र ये जीव आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये है जिम्नोफियोना, ये यूरोडोला और ये जो एनुरा है, इसमें अलग अलग आते हैं, देखो यहाँ पर दे रखे हैं, इसको थोड़ा आप यूज करके देख लेना। तो जो देखो इसमें आपको पैर नहीं नजर आ रहे हैं, इसके अलावा इसमें भी पैर हैं, इसमें भी पैर देख रहे हो आप लोग, केवल ये वर्ग होता है जिम्नोफियोना जिसमें की जो एम्फीबियंस है उनमें पाद नहीं होते हैं, पैर नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सजीव कोर्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो कोर्डेटा वर्ग में रखा गया है लेकिन उसमें कशेरुका नहीं पाई जाती। ऑप्शन फर्स्ट है कटला, सेकंड है हिप्पोकैम्पस, थर्ड है हेमिडेक्टाइल और फोर्थ है एम्फियोक्सेस। तो एम्फियोक्सेस ही हो जाएगा क्योंकि यही कोर्डेट प्राणी है लेकिन इसमें कशेरुका नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। मानव में पाई जाने वाली असामान्यता जिसे टर्नर सेलेक्शन यानी टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, इसे टर्नर सिंड्रोम। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं, यानी कि इसमें जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है वो मादा होती है परंतु उसके जननांग व स्तन अल्प वर्धित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। अब देखो एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम और एक होता है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में जो एक गुणसूत्र की कमी होती है वो एक्स गुणसूत्र की कमी होती है, और जबकि जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें जो 18वां गुणसूत्र है उसमें वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि एक गुणसूत्र की जो कमी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें जो मादा तो होती है लेकिन मादा के उसमें पूर्ण रूप से लक्षण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने स्ट्रक्चर इसलिए दिए कि कोई भी हार्ड शब्द आ जाए तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संचित डिंब बीजांड यानी कि ये वाला नाम याद रख लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में यही देखने को मिल सकता है। क्यूमुलस ऊ स्पोर्स, क्यूमुलस ऊ स्पोर्स है, ये किस में पाया जाता है, टेस्टिस में, वर्षण में, अंडाशय यानी अवेरी में, टेस्टिस एंड ओवरी दोनों में, और फोर्थ है किडनी में। तो किडनी से संबंधित है ही नहीं, इन दोनों में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये मैंने अंडा जो होता है फीमेल अंडा या ह्यूमन का जो अंडा होता है उसकी संरचना बनाई, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं क्यूमुलस ऊ स्पोर्स, और ये वाली जो संरचना जो अंडा होता है इसके द्वारा जो बाहर वाली भित्तियां हैं इनसे जो जुड़ा रहता है किसकी सहायता से, क्यूमुलस ऊ स्पोर्स की सहायता से, और यही कहलाता है संचित डिंब बीजांड या क्यूमुलस ऊ स्पोर्स, जो किस में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। यहाँ पर अगर अंडा होता या ओवेरी होती तो उस जो ओवम होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
द एनर्जी सोर्स ऑफ ओमनिवर्स, ओमनिवर्स यानी कि सर्वाहारी, सर्वाहारी। द एनर्जी सोर्स ऑफ ओमनिवर्स, ओमनिवर्स के लिए ऊर्जा के सोर्स क्या होते हैं? सर्वाहारी वे होते हैं जो क्या करते हैं, घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर्स कॉर्निवर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर कॉर्निवर्स एंड डिकम्पोजर्स नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी इसमें से सबसे राइट हो जाएगा। 22 ब्रांच ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी की शाखा जिसके अंतर्गत हमें एनिमल्स जो जंतु हैं उनकी बिहेवियर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जूलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इथोलॉजी, सेकेंड है सोशियोलॉजी, थर्ड है इकोलॉजी, फोर्थ है एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इथोलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसमें बीजाणुओं का अंकुरण इन सीटू, इन सीटू माने मतलब होता है कि बीजाणु का अंकुरण है वो पादप के अंदर ही होता है, बाहर न होकर के पादप के अंदर ही होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रिक्सिया, सेकंड है मार्केंसिया, थर्ड है पेलिया और फोर्थ है स्पेगनम। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है प्राकृतिक रबर। ऑप्शन फर्स्ट है केलोट्रोपिस प्रोसेरा के लेटेक्स से यानी आक जिसे हम कहते हैं, रेशियनस कॉम्युनस के लेटेक्स से, नेरियम इंडिकम के लेटेक्स से और हिविया ब्रांजिलेंसिस के लेटेक्स से। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हिविया ब्रांजिलेंसिस जो होता है इससे लेटेक्स प्राप्त होता है जिससे रबर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्रोमोसोम्स के मानचित्र को सबसे पहले किसने तैयार किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। क्रोमोसोम्स के मानचित्र को जो गुणसूत्र होते हैं इनके मैप को, मानचित्र को सबसे पहले किसने तैयार किया था? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिजेंस, सेकंड है वाटसन, थर्ड है मॉर्गन, फोर्थ है होली। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मॉर्गन ने ही क्रोमोसोम्स के मानचित्र को पहली बार तैयार किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? क्रांज एनाटोमी, पत्ती की क्रांज एनाटोमी C4 पादपों में पाई जाती है, पत्ती की क्रेंज एनाटोमी है C3 में मिलती है, पत्ती की क्रेंज एनाटोमी C3 व C4 दोनों में मिलती है, पत्ती की क्रेंज एनाटोमी के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी जो C4 पादपों में पाए जाते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो जो अंदर की ओर होता है ये वेस्कुलर बंडल हो गया और ये मेजोफिल सेल्स हो गए, ये बंडल शीत होगा। इस बंडल शीत वाली कोशिकाओं में भी क्या मिलता है आपको, फोटोसिंथेसिस की क्रिया देखने को मिलती है, और ये बाहर वाला आपका मेजोफिल सेल्स हो गए जिसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्रेंज एनाटोमी C4 पादपों में मिलती है जो कि इनका विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 27 पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्लांट एंड एनिमल्स, सेकंड है वीड्स एंड ट्री, खरपतवार एंड वृक्ष, थर्ड है जीवी एंड अजीवी और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक तो बायोटिक और एक हो जाएगा ए बायोटिक यानी कि जीवी और अजीवी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है अर्ली ब्लाइंट ऑफ पोटेटो, अर्ली ब्लाइंट ऑफ पोटेटो यानी कि आलू का अंगेती अंगमारी जो रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो ये सही है अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। ब्राउन रोट ऑफ पोटेटो यानी कि आलू का बब्रू वीलगन रोग, तो ये स्यूडोमोनास सोलेंसियम से होता है, ये भी सही है। थर्ड है आलू का वले वीगलन फाइटोपोतेरा इन्फेस्टोन्स, तो ये हो जाएगा रिंग रोट ऑफ पोटेटो फाइटोपोतेरा इन्फेस्टेन से नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। लिप स्पॉट ऑफ पोटेटो क्रोसोस्पोरा कॉनकोर्स, पर्णचित्ती रोग जो होता है आलू का ये सर्कोस्पोरा है, सॉरी सर्कोस्पोरा कॉनकोर्स से होता है, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। 29 सोल जेल थ्योरी, सोल जेल सिद्धांत एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड, ऐसा कर लीजिए। तो अमीबा में जो होता है ये कूटपाद के द्वारा क्या होता है जनन, वो मूवमेंट होती है, गति होती है, कूटपाद के द्वारा ये गति करते हैं। और कूट, तो ये सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है डेलिंजर, सेकंड है मास्ट एंड पेंटिन, थर्ड है हाइमन और फोर्थ है सेलार्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइमन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30
संग इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। तो इकाइनोडर्मेटा है जो कि सभी समुद्री जीव होते हैं, इसके इनमें कौन सा लक्षण इसका मुख्य है? ऑप्शन फर्स्ट है जल स्रावतंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सेकंड है हिमल सिस्टम, थर्ड उपरोक्त दोनों, और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, हिमल सिस्टम भी होता है, ये दोनों ही राइट है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन, यानी कि मेंढक में जो पेस मेकर होता है ये कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है राइट ओरिकल, राइट ओरिकल मतलब दायां आलिंद जो होता है उस पर, सेकंड है लेफ्ट ओरिकल यानी कि बाएं आलिंद पर, साइनस वेनस और वेंट्रिकल पर या निले पर। तो यहाँ पर देखो जो मनुष्य की हम बात करते हैं तो मनुष्य के समान ही पेस मेकर है वो फ्रॉग में देखने को मिलता है, मनुष्य में भी कहाँ होता है? जो दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद पे देखने को मिलता है। और ये पेस मेकर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर जो होता है इसमें आवेग उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो पाई जाती है, हृदय की धड़कन यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ओरिकल, दायां आलिंद। क्वेश्चन नंबर 32, ए कोडोन रिप्रेजेंट, कोडोन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ए सेट ऑफ 3 बेसेज इन डीएनए सेगमेंट, ए सेट ऑफ 4 बेसेज इन डीएनए सेगमेंट, ए सेट ऑफ 5 बेसेज इन डीएनए सेगमेंट और ए सेट ऑफ 6 बेसेज इन डीएनए सेगमेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि जो कोडोन होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, इसमें जो आपका हम बात करें नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, तीन 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 व्यवस्थित होकर के कोडोन का निर्माण करते हैं, और ये कोडोन टोटल 64 होते हैं जो क्या करते हैं आपके एमिनो एसिड जो होता है उनको कोड करते हैं, और ये भी 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इसमें देखो जो कोडोन होते हैं, एक तो आपको ध्यान में रखना जो समापन कोडोन कौन से होते हैं, समापन कोडोन, और एक हो जाएगा आरंभन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, आरंभन कोडोन, ये दोनों ही ध्यान में रखने, अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी मसल्स इन मैमल्स, यानी स्तनधारी में, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी मसल्स इन मेमल्स, यानी कि जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी मेमल्स हैं, स्तनधारी है, उनमें जो श्वसन से संबंधित पेशी कौन सी है, श्वसन से संबंधित जो पेशी है वो कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां, थर्ड है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बाह्य आंतरिक अंतरापार्श्व पेशियां, और फोर्थ है प्लूरल मसल्स। अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर ये आपका स्टर्नम हो गया और ये रिब्स पाए जाते हैं, इनके बीच में बहुत सारी मसल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको अलग पेन से बता देता हूँ, ये जो आपको नजर आए रेड रेड, ये सभी क्या मसल्स हैं? यहाँ पर देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो यहाँ पर इसको लार्ज करके दिखाया गया है, और ये जो आपको बाहर ये दिखाई दे रही है ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां, और जो अंदर की तरफ दिखाई गई ये होगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यानी आंतरिक अंतरापार्श्व। जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन सा कारक है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है वन्य जीव का विनाश, सेकंड है वनों का विनाश, थर्ड है बांधों का निर्माण, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर देखो जितने भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं सभी हमारे वन्य जीव संरक्षण को नुकसान पहुंचाने वाली क्रिया है, तो ये किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सभी हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये यहाँ पर एक तरफ ऑप्शन दे रखे हैं, लिस्ट ए को लिस्ट बी से आपको मैच करना है, टायरोसिन, विटामिन डी, साइक्लिक एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, थायरोसिन, आयोनिक कैल्शियम, कैल्सिटोनिन, हाइपोकैलेमिया, हार्मोन एक्शन। तो मिलाना आपको जो टायरोसिन होता है ये थायरोक्सिन से संबंधित है, साइक्लिक एएमपी जो होता है ये आपके हार्मोन एक्शन की क्रिया से संबंधित, जो हार्मोन की क्रिया विधि है उससे संबंधित। तो फर्स्ट में कौन सा, सेकंड, और बी में हो जाएगा आपका फोर्थ, आयोनिक कैल्शियम यानी कि विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो आयनिक कैल्शियम से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, और हाइपोकैलेमिया ये कैल्सिटोनिन से संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस में डाइकेरियोटाइजेशन प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया। देखो ऐसे क्वेश्चन सामान्य तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि ये पहले पूछा जा चुका है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस में डाइकेरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया था ग्रेगी जे एच द्वारा। 37 सवाल अंक, यानी कि प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। अब देखो जितने भी ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट है, इनमें क्या होता है, एक तो गेमेटोफाइट अवस्था होती है और एक होती है स्पोरोफाइट अवस्था। ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में और गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में परिवर्तित होती रहती है। इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है, गेमेट्स का निर्माण होता है। तो इसमें देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं जिनमें एक अन्य अवस्था और पाई जाती है जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं, प्रोटोनिमा। तो ये इनमें से कौन से पादप में देखने को मिलती है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस, स्पाइरो वगैरह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिर मैंने आपको बताई है। और कंप्लीट जो प्लांट मोर्फोलॉजी है वो मैंने आपको करवा दी है, वहां से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो मोर्फोलॉजी से पूछे जाएंगे। और एक चीज और ध्यान में रखिए, आप जितने भी टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो टॉपिक भी मैंने वहां पर आपको रिविजन करवाया है। ऑप्शन फर्स्ट है फाइब्रस मीजोकार्प, सेकंड है सीड कोट, थर्ड है एंडोकार्प और फोर्थ है एपिकार्प। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रस मीजोकार्प है, ये मैंगो का खाने योग्य भाग होता है, मध्य फलभित्ति जो होती है। क्वेश्चन नंबर 39, जालिकावत शिरा विन्यास वाले एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है। तो जो एक बीजपत्री सामान्य तो होते हैं इनमें समानांतर शिरा विन्यास मिलता है, समानांतर शिरा विन्यास मिलता है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप हम बात करें, एक बीजपत्री पादप होता है जिसमें जालिकावत शिरा विन्यास भी मिलता है। देखो जालिकावत द्विबीजपत्री में मिलता है, द्विबीजपत्री, लेकिन कुछ अपवाद पाए जाते हैं वो यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक बनने की संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है स्माइलेक, सेकंड है कोलोफाइलम, थर्ड है फेसी फ्लोरा और फोर्थ हो जाएगा एंटीगोनान। तो यहाँ पर देखो जो स्माइलेक्स होता है ये एक बीजपत्री पादप होता है, फिर भी इसमें जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। और कोलोफाइलम जो होता है ये द्विबीजपत्री पादप होता है, लेकिन फिर भी इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, और दोनों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, उसमें शामिल किए थे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम के नीचे दिए गए कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का चयन करें। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था फर्स्ट होती है, पूर्वावस्था फर्स्ट। देखो अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट में पूर्वावस्था फर्स्ट होती है इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है उससे संबंधित यहाँ पर दे रखा है, डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, डाइकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, पैकेटिन। इनमें से इनका क्रम व्यवस्थित करना कौन सी पहले होगी कौन सी सेकंड पे होगी। अब देखो इसकी अवस्थाओं के नाम देख लेते हैं, पहले नंबर पर जो आती है वो है लेप्टोटिन, लेप्टोटिन हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है जाइगोटिन, तीसरे नंबर पर आती है आपकी पेकिटिन, चौथे नंबर पर आती है डिप्लोटिन और पांचवें नंबर पर आती है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। और यहाँ पर हम बात करें, देखो जो लेप्टोटीन होता है इसमें गुणसूत्र हो जाए वो गुलदस्ते जैसी अवस्थाएं बना लेती हैं, जाइगोटिन में जो सिस्टर क्रोमेटेट्स होते हैं संजात गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े बनाते हैं, सिनेप्सिस की क्रिया होती है, सिनेप्सिस की। पैकेटिन में क्रोसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रोसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय की क्रिया है वो पैकेटिन में देखने को मिलती है। डिप्लोटीन में काइजमेटा का निर्माण होता है, काइजमेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये डिप्लोटीन में काइजमेटा का निर्माण होता है, डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का उपाधि भवन होता है। अब इनको व्यवस्थित कर लेते हैं, डिप्लोटीन यहाँ पर देखो पहले नंबर पर आती है लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन को हम एक नंबर दे देते हैं। फिर जाइगोटिन है नहीं तो फिर पैकेटिन आ जाती है, पैकेटिन, पैकेटिन इसको दो नंबर दे देते हैं, फिर डिप्लोटीन इसको तीन नंबर दे देते हैं और केंद्रक विभाजन डाइकाइनेसिस को चार नंबर दे देते हैं। 3-1-4-2 किस्में हैं, या फिर ये कह सकते हैं ADBC, AD सॉरी 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 यहाँ पर BDAC, BDAC ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन बी। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए, जो मियोसिस की फर्स्ट की जो एनाफेज अवस्था होती है, एनाफेज फर्स्ट,
इसमें होता क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्यतः हम समसूत्री में देखते हैं तो केंद्रक जो गुणसूत्र होते हैं उनका विभाजन होता है, लेकिन एनाफेज फेस्ट में पृथक्करण होता है, ये ध्यान में रखना है। और इसी एनाफेज के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या वो आधी हो जाती है, जैसे 46 है तो वो 23 हो जाते हैं इसी अवस्था में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्रोटीन अधिकतर श्वसन पदार्थ होता है, प्रोटीन अधिकतर श्वसन पदार्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवद्रव्य श्वसन, सेकंड पलावी श्वसन, अवायवी श्वसन, फोर्थ है तिलहनी श्वसन। देखो जो क्रियाधार है उस क्रियाधार के आधार पर श्वसन को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं क्रियाधार के रूप में और एक तरफ हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम क्रियाधार के रूप में लेते हैं तो ये कहलाता पलावी श्वसन, पलावी श्वसन। प्रोटीन और क्रियाधार के रूप में लेते हैं तो इसे हम कहते हैं जीवद्रवी श्वसन, जीवद्रवी श्वसन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रोटीन को हम श्वसन पदार्थ के रूप में लेते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या जीवद्रवी श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अमंग द फॉलोइंग बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर राइस, चावल के लिए सबसे अच्छा जैव उर्वरक कौन सा है इनमें से, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। ऑप्शन फर्स्ट है नोथोटिलस स्पीसीज, एंथोसिरोस स्पीसीज, थर्ड है एजोला पिनियोटा, फोर्थ हो जाएगा बेसिलस पोलीमिक्सा। तो ऑप्शन फोर्थ थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एजोला पिनेटा जो होता है ये बेस्ट बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम में लेते हैं राइस के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। टमाटर के विल्ट रोग का कारक है, तो टमाटर का जो विल्ट रोग है इनमें से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, सेकेंड है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, थर्ड है हेलमिंथोस्पोरियम सेटाइवम, और फोर्थ है एरीसाइफी पोलीगोनाई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो टमाटर का विल्ट रोग है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44। अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाव गोपक जो हाइलिन कैप होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। देखो अमीबा में क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, और इसमें यही पूछा है कि इस कूटपाद का निर्माण किससे होता है, क्योंकि इस कूटपाद में क्या होता है, काचाव द्रव्य भरा रहता है, हाइलिन कैप भरी रहती है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्टोप्लाज्म, सेकंड है मेजोप्लाज्म, थर्ड है एंडोप्लाज्म, फोर्थ है उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके आरबीसी में भी पूछा जा चुका और नीट में भी पूछा जा चुका है, तो ये आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो एक्टोप्लाज्म होता है इसी के द्वारा कूटपाद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 45। सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसेल इज कॉल्ड, अगर ब्लास्टोसेल से सिलोम का निर्माण होता है तो वो सिलोम क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटेरोसिलम, सेकंड है हेमोसिल, थर्ड है स्यूडोसिल, फोर्थ है साइजोसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्यूडोसिल, या इसे हम कूट गुहा भी कहते हैं, कूट गुहा। और ये किस फाइलम में पाई जाती है, ये एस्के हेलमिंथीज में पाई जाती है, एस्के हेलमिंथीज में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ए फुली फॉर्मड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैच, यानी कि कोई भी मेंढक है, फ्रॉग है, उसकी हम कोई भी पूर्ण रूप से विकसित स्पर्म सेल लेते हैं, शुक्राणु कोशिका लेते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट ए न्यूक्लियस, एन एक्रोसोम, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल, ऑल ऑफ दीच। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो एक न्यूक्लियस होता है, स्पर्म सेल की बात कर रहे हैं, मेंढक में न्यूक्लियस होता है, सही है, ये एक्रोसोम भी होता है, एक पेयर में सेंट्रियोल होते हैं, टेल पूंछ होती है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही ह्यूमन के ह्यूमन का जो स्पर्म सेल होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं, तो स्पर्म और ह्यूमन के पूछे तो भी ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। फॉर विच डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक आर फेमस, यानी कौन सी खोज के द्वारा, किसकी खोज के द्वारा है, या कौन सी खोज के द्वारा वाटसन और क्रिक है वो फेमस हुए और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम, थर्ड है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो द्वि कुंडलित तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, आणविक संरचना है, वो वाटसन एंड क्रिक ने विकसित की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 48। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ए मैन इज रेगुलेटेड, यानी कि जो रुधिर शर्करा है, रुधिर शर्करा, ये रुधिर शर्करा है, इसका नियमन है मनुष्य में किसके द्वारा होता है। तो देखो सामान्यतः हम बात करें नियमन के लिए दो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो इंसुलिन होता है, इंसुलिन,
अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इस शुगर लेवल को कम करने का कार्य कौन करता है? ये इंसुलिन करता है। और ये कम कहाँ पर करता है? तो आपकी जो लीवर होती है उसमें ग्लाइकोजन के रूप में ये जाकर के जमा हो जाता है ग्लूकोज। तो इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कम करने का कार्य करता है। एक होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है, ये दोनों ही आपके पेंक्रियाज ग्रैंड से स्रावित होते हैं। ये क्या करता है? एक दूसरे के विपरीत करते हैं। अगर ब्लड्स में शुगर की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या करता है? ग्लूकागोन इस शुगर लेवल को बढ़ा देता है। और बढ़ाने का कारण क्या है? जो ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन इसको ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो होता है, ये तो क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। ग्लूकागोन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ये ब्लड शुगर लेवल को कम नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द हार्ट ऑफ मैन, व्यक्ति का हृदय होता है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूरोजेनिक यानी तंत्रिकाजन, पेशीजनक, द्विपोषी, एकोद्भवी या मोनोजेनिक। जो व्यक्ति यानी कि जो ह्यूमन होता है उसमें हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, पेशीजनिक होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पेशियों द्वारा ही बना होता है और पेशियों द्वारा ही नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंकाल पेशियों की पतले तंतुओं से संबंधित है? बंधित लिख लीजिए यहाँ पर। देखो, इसको क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पेशी होती है, इस पेशी में दो प्रकार के तंतु मिलते हैं, एक तो पतले फिलामेंट और एक मोटे फिलामेंट। पतले जो होते हैं उन्हें हम एक्टिन कहते हैं, मोटे जो होते हैं इन्हें हम मायोसिन कहते हैं। मायोसिन, अब मायोसिन स्थिर रहते हैं और एक्टिन तंतु इस पर एक दूसरे क्या करते हैं, आगे पीछे गति करते रहते हैं। तो इनमें पूछा कि कंकाल पेशियों की पतले तंतुओं से संबंधित है, पतले तंतु से कौन से जुड़े रहते हैं, तो एक्टिन से कौन से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मायोसिन, सेकंड है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन आंख में पाया जाता है, मायोग्लोबिन ये आपकी पेशी में ही पाया जाता है, और ये माइट्रो जो क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है पेशियों में। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या करता है, जब मायोसिन विश्राम अवस्था में होती है तो उसकी बंधित स्थल को कवर करने का कार्य ट्रोपोनिन करता है, और ये अभी आपकी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है 2022 वाले। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि पतले तंतुओं से जो मोटे तंतु जुड़े रहते हैं इन्हें मायोसिन कहते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम प्लस 50+ क्वेश्चन देख चुकी हैं, क्योंकि साथ में कुछ थ्योरी भी, कुछ ऑप्शंस भी डिस्कस कर रही हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देखो, मैं जो टॉप टॉप बायोलॉजी के क्वेश्चन यानी कि जो पीछे पूछे गए हैं एग्जाम में, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नीट, केवीएस, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, और आपके एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन ये उठाए गए हैं। हमारी एक तरफ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी से संबंधित, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन से संबंधित है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऑप्शन है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सदैव प्रतिलोमित यानी कि सदैव उल्टे, सेकंड है सदैव ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधे, थर्ड है कभी प्रतिलोमित और कभी ऊर्ध्वाधर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, जो पिरामिड्स की बात करें तो ये चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिए गए थे। और इसमें हम बात करें जो बायोमास का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, और वो भी बायोमास का हम बात करें जो ट्रीज का हम देखते हैं, ट्रीज का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना। और एक आपका जो तालाब यानी कि जलीय पिरामिड होता है उसमें भी बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ट्रीज में सामान्यतः हम पिरामिड देखते हैं वो उल्टे मिलते हैं, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। और ये आप ध्यान में रखना, जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है वो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में लगभग 50+ क्वेश्चन आपके करवा दिए, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक वास्तविक मछली है, इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है, ट्रू फिश है। ऑप्शन है कैटफिश, सेकंड है जेलीफिश, थर्ड है कटल फिश और फोर्थ है सिल्वर फिश। यहाँ पर देखो, ऑप्शन जो ए है जिसे हम कैटफिश कहते हैं यही वास्तविक मछली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश जो कि लेपिस्मा कहते हैं इसे,
क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। सिल्वर फिश जो कि वास्तविक फिश नहीं होती, इसे लेपिस्मा को कहा जाता है सिल्वर फिश। देखो हम जो क्वेश्चन देख रही हैं थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि स्पीड से चलेंगे, और इन क्वेश्चन को आप आंसर देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश करना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इस कारण से, और आपके पास भी टाइम बहुत ही कम बचा है, इस कारण से आपको बहुत अधिक क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ संपर्क बिंदु के रूप में संपर्क बिंदु कर पाई जाती है। सामान्यतः हम बात करें कोई भी परजीवी कवक है उनमें गोलाकार कांटे जैसी एक संरचना मिलती है जो परपोषी के साथ संपर्क बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फेस्टस शोषक यानी ऑस्टेरिया, जिसे चूषक भी कहते हैं, एप्रेशोरियम, होल्ड फास्ट और आंकड़ा या हुक, अंग्रेजी में इसे हम हुक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्रेशोरियम जो होता है इसके द्वारा जो परजीवी कवक होता है वो प्रपोष्य के साथ संबंध बना करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कौन से होते हैं? फ्यूनेरिया जो रिक्सिया है ये किसमें कौन से वर्ग में आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये कौन से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया तो जो होता है ये नर अंग होता है, नर प्रजनन अंग होता है, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। अब देखो यहाँ पर जो एंथ्रीडियोफोर है ये तो एंथ्रीडिया के द्वारा उत्पन्न करने वाले जो पुंगड़ों भी बोल सकते हैं इसे हम युग्मक होते हैं, आर्किगोनियोफोर है ये, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया ये होता है फ्यूनेरिया और रिक्सिया में जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 5, फोलिकल फलों का स्फुटन होता है, यानी कि जो फोलिकल जो फटने वाले फल होते हैं, जैसे जैसे पक जाते हैं, पकते ही वो फट जाते हैं, तो ऐसे फल होते हैं इनका स्फुटन है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अपेक्ष एवं अपाक्ष सेवनों द्वारा, सेकंड है अपेक्ष सेवनों द्वारा, थर्ड आधार से ऊपर की ओर, और फोर्थ हो जाएगा छिद्रों द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्ष एवं अपाक्ष सेवनों द्वारा क्या होता है? फोलिकल फ्लो का स्फुटन होता है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आपकी तारीख का भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक, थिग्मोट्रोपिज्म ठीक, इसके द्वारा दिखाया जाता है, इनमें से कौन सा पादप का भाग है जिसके द्वारा थिग्मोट्रोपिज्म है वो दिखाया जाता है या वो प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्तानों द्वारा, जो टेंड्रिल्स होते हैं देखिए आपने मटर में देखे होंगे ऐसे, तना शीर्ष, जड़ शीर्ष और पत्ती शीर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो प्रत्तान है, प्रतान जो है, टेंड्रिल्स जो है ये क्या करती है? थिग्मोट्रोपिज्म जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, बास्ट रेशे जो होते हैं बास्ट फाइबर्स ये किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गोसिपियम, सेकंड है कोकस, थर्ड है कोरकोरस और फोर्थ है एगेव। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कोरकोरस होता है इससे बास्ट फाइबर प्राप्त होते हैं। देखो जो गोसिपियम होता है इसको भी ध्यान में रखना, ये कपास की एक प्रजाति, कपास को बोलते हैं हम गोसिपियम, और कपास से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बात की तो बीटी कॉटन तैयार किया गया था, बीटी कॉटन ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिलस थुरिंजिस जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कुछ पादपों को जब अधिक पोषण वाले माध्यम में उगाया जाता है उनमें कुछ फिनोटाइप परिवर्तन हो जाते हैं जो कई पीढ़ियों तक स्थिर रहते हैं और ये जीन के बहुलीकरण के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पैरा म्यूटेशन, सेकेंड है साइलेंट म्यूटेशन, थर्ड है जीनोट्रोपिक एक्सप्रेशन और फोर्थ है यूट्रिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर कोई भी हम जो जार लेते हैं उसके अंदर अधिक पोषण डाल देते हैं जिसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की मात्रा हो और उसमें किसी भी पादप को हम डाल देते हैं यहाँ पर, अब क्या होता है इसके फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, और ये फिनोटाइप में परिवर्तन F1 F2 इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक जारी रहता है, और ये किसके कारण होता है? जीन के बहुलीकरण के कारण होता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जीनोट्रोपिक एक्सप्रेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आता है 9, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है ये पूछा है, तो नीचे कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है?
ऑप्शन फर्स्ट है 2,4-D, सेकंड है जियाटिन, थर्ड है GA3 जिप्रेलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, और IAA इंडोल एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर जियाटिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड नहीं वाला शब्द यहाँ पर पकड़ना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 2,4-D होता है, ये संश्लेषित किया जाता प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, खरपतवार के अनाशी के रूप में भी इसे हम काम में लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद्य संग्रह पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फूड रिजर्वर्स आर फाउंड इन द सेल्स, जो सेल्स है इनमें नाइट्रोजन से संबंधित, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु हैं या जो सवाल है वो मुख्य रूप से कौन सी होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। देखो नील हरित शैवाल होते हैं, इनमें हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट उनमें क्या होता है, ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और इसी में नाइट्रोजन युक्त खाद्य संग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 10 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है उनका मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये RFLP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कॉम्प्लीमेंट्री विद सेम प्रॉप्स, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द डीएनए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका जो मुख्य आधार होता है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है डीएनए की, और इसकी खोज है वो एलेक जेफ्री नामक वैज्ञानिक ने की थी, जेफ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इनमें से देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से तीन ऐसे, देखो लास्ट वाला तो छोड़ दीजिए, इनमें से कोई नहीं है तो होगा ही नहीं, तीन में से आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें लैंगिक जनन का प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है पैरामीशियम कोडेटम, सेकंड यूग्लिना विरिडिन्स, थर्ड है मोनोसिस्टिस एजिलिस। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यूग्लिना विरिडिन्स, इसमें लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आता 13, फेजमिड्स आर प्रेजेंट इन, फेजमिड किस में पाए जाते हैं। एक देखो फेजमिड वो होते हैं जो वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो जेनेटिक क्लोनिंग में काम में लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या होता है कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, फेजमिड कुछ अंग के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एस्केरिश हो गया, पाइला, टीनिया, यूनियो, तो यहाँ पर एस्केरिश में पाए जाते हैं फेजमिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमोसिट लार्वा अकर्स इन द लाइफ ऑफ स्ट्री, यानी इनमें से जो जीव के नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जिसकी लाइफ में एमोसिट लार्वा पाया जाता है, एमोसिट लार्वा पाया जाता है, तो एमोसिट लार्वा इनमें से किसका है। ऑप्शन फर्स्ट लेम्प्रे, सेकंड सी अर्चिन, थर्ड है बेलेनोग्लोसस और थर्ड है एसिडियन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सी लेम्प्रे, या जिसे हम एसिमेट्रोन भी कहते हैं, इसका जो लार्वा होता है वो एमोसिट लार्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए व आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों, यानी कि डीएनए ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, उनमें से डीएनए और आरएनए में कौन सा गुण होता है जो दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है, दुगुने गुंपयुत यानी डबल स्टैंडर्ड। तो ये तो ओनली डीएनए जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, आरएनए तो बहुत ही कम मिलते हैं डबल स्टैंडर्ड। समान शर्करा, शर्करा समान ही होती है, डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, और फोर्थ है ये समान पिरेमिड होते हैं, पिरेमिडिन होते हैं, ये भी गलत हो जाए क्योंकि यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि समान न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इनमें न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं मिलकर के डीएनए आरएनए का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16, स्तनधारी जंतुओं की पैर खंड, पैर पेचेज मेमल्स में किसमें पाए जाते हैं, पैर पेचेज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले, पैर पेचेज है इनमें से किस में मिलते हैं, किस स्तनधारी में मिलते हैं, और मुख्य रूप से ये किस प्रकार के अंग होते हैं, ये किस अंग के रूप में कार्य करते हैं, मेमल्स जो होते हैं इसमें किस अंग के रूप में कार्य करते हैं, पेयर्स ऑफ पेचेज, एक्सक्रेटरी उत्सर्जी, सेकेंड है डाइजेस्टिव यानी पाचक, थर्ड है स्रावी, ये स्रावी है, और फोर्थ है लिम्फोइड, लिम्फी या लिम्फोइड, तो ये ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, जो लिम्फोइड है इसमें पाए जाते हैं पेयर पैचेज मेमल्स में। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ओजोन लेयर इन अपर एटमोस्फेयर इन डिस्ट्रॉयड, यानी ओजोन लेयर की परत पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, और इसका विनाश करने वाला, विनाश या विघटन करने वाला
डिस्ट्रॉय यानी कि विघटन करने वाला इनमें से कौन सा होगा? फोटोकेमिकल, स्मोक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सीएफसी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? ओजोन के 1 लाख से अधिक अणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों की संरक्षित किया जा सके। देखो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक रिजर्व के नाम दे रखे हैं, उसमें वन्य जीवों के नाम दे रखे हैं जिनमें से उनको सुरक्षित किया गया है, तो इनमें करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको छांटना है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें हाथी को सुरक्षित किया गया है, कच्छ कारण में जंगली गद्दे को, गिर वन में बाघ को, और जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है उसमें कस्तूरी मृग को। यहाँ पर करेक्ट छांटना है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कच्छ कारण है ये जंगली गद्दों को सुरक्षित किया गया है यहाँ पर। काजीरंगा तो आपको पता ही है, जो राइनोसिरोस जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। 18 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्रिएटिन जो कि एक प्रोटीन होती है, निम्नलिखित में से किसके अधिचरम में नहीं पाई जाती है? किसके अधिचरम में क्रिएटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट अमीन। देखो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास करें और कितने सही हो रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेकंड है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, थर्ड है पक्षी या फिर बर्ड्स, और फोर्थ है मेमल्स यानी स्तनी। तो यहाँ पर हम बात करें जो फिशेज होती है इसमें क्रिएटिन नहीं पाई जाती है, इसके अलावा सरीसृप में मिलती है, पक्षी में पाई जाती है, स्तनी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है? एक देखो जो मशरूम होते हैं, मशरूम को कौन से वर्ग में रखा गया है? जो कवकों के अंदर जो वर्ग आता है बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज जो वर्ग है इसमें रखा गया मशरूम को। तो इसके जमीन के ऊपर जो भाग दिखाई देता है बेसिडियो माइसिटीज के जो मेमल जो मेंबर्स होते हैं उनमें, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोस्पोर, बेसिडियो कार्प, थर्ड इसको कार्प, फोर फोर्थ है एस्कोगोनियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिडियो जो माइसिट है उसमें बेसिडियो कार्प मिलता है, इस बेसिडियो कार्प में बेसिडियो जो स्पोर्स होते हैं वो देखने को मिलती है इसमें। ये फ्रूटिंग बॉडी होती है सामान्यतः, हम बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प देखने को मिलता है। दोनों को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आता है 21। थेलस निम्न में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और निचले संचयन क्षेत्र होते हैं? यानी कि जो पादप है ये मान लीजिए कोई पादप है, इसका ऊपर वाला जो भाग है ये तो प्रकाश संश्लेषी होता है, और नीचे वाला भाग कैसा होता है? संचयन यानी स्टोरेज करने वाला होता है। तो यहाँ पर तीन पादपों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पादप है जिनमें ऊपरी भाग तो प्रकाश संश्लेषी होता है और निचला भाग संचयन स्टोरेज वाला होता है? ऑप्शन फर्स्ट है रिक्सिया, मार्केंसिया, ये मार्केंसिया थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक एंथोसिरोस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले जो दोनों दे रखे हैं ये आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें ही आपको देखने को मिलता है ऊपर प्रकाश संश्लेषी और नीचे संचयन क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। पाइनएप्पल एक उदाहरण है, यानी पर फल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और फल वाला टॉपिक मैं पहले ही करवा चुका हूँ। पाइनएप्पल जो होता है इसमें फल किस प्रकार का देखने को मिलता है? फर्स्ट है एक बेरीज के इटीरियो की यानी कि इटीरियो ऑफ बेरीज, एक सोरोसिस, एक ड्रुप फल, ड्रुप के समूह का, और एक सरल सरस फल का उदाहरण है सामान्यतः हम बात करें। तो यहाँ पर बात करें जो पाइनएप्पल होता है उसमें सोरोसिस नामक फल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। गोसिपियम, गोसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? गोसिपियम जो कपास को बोलते हैं, कॉटन जो होता है उसे किस कुल में आता है? सोलेनेसी, मालवेसी, एस्टेरियसी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोलेनेसी में आता है, सॉरी मालवेसी में। सोलेनेसी में आपके बैंगन, आलू, ये सभी सोलेनेसी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वाधिक चिर स्थायी जैविक पदार्थ जो जीवाश्मी बीजाणुओं व परागकणों के परिरक्षण में सहायक होते हैं? देखो सबसे अधिक चिरस्थायी पदार्थ होता है जो जीवाश्मी बीजाणु होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, और परागकण होते हैं इनको चारों ओर से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिग्निन, स्पोरो पोलेनिन, सेकंड थर्ड है हेमीसेलुलोज, और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्पोरो पोलेनिन, इनमें पाया जाता है जो परागकणों को परिरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 25। पादप कोशिका जिसमें 2n+1 गुणसूत्र पाया जाता है, 2n+1 गुणसूत्र पाया जाता है क्या कहलाता है? ट्राइसोमिक, पॉलीसोमिक, बाइसोमिक, मोनोसोमिक।
अब देखो 2n का मतलब 46 और 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमिक। और ये जो रोग होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अगर एक गुणसूत्र की कमी होती तो ये हो जाता आपका टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव उत्पन्न होता है, देखने को मिलता है या उत्पन्न होता है? किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव उत्पन्न होता है या देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी जड़ होती है उस जड़ में बीच में पाया जाता है आपका मूल जाइलम, जो रूट का जाइलम वाला भाग होता है जाइलम। और यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर हेयर्स हो गया आपका प्लांट का, और यहाँ पर मिट्टी जो होता है, यहाँ पर जो जड़ विभव का जो दाब होता है ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, यहाँ पर इसे मूल जाइलम में देखने को मिलता है। इसी कारण से क्या होता है, वाटर इसकी तरफ आकर्षित होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नोस्टोक, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रिडियम, माइक्रोसिस्टिस। देखो नोस्टोक, एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, माइक्रोसिस्टिस नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पांच जगत जो वर्गीकरण है इसकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, किस विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? प्रोटोजोआ क्या होता है, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, ये क्या होते हैं, एक कोशी के यूकेरियोटिक प्राणी होते हैं और ये आपके प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मेलिंगनेट टेरेटियम मलेरिया जो नामक रोग होता है, मेलिंगनेट टेरेटियम मलेरिया नामक जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो मलेरी जो सामान्य रोग होता है मलेरिया, वो तो प्लाज्मोडियम मलेरी से हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम होता है इससे मेलिंगनेट टेरेटियम मलेरिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेरोस्टोम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो प्रोटोस्टोम होता है और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या होता है आपका, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थोपोडा, यहाँ से देखो थोड़ा सा यहाँ से आ जाएगा आर्थोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का। आम आम नाम याद रख लीजिए, आम, एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोम में कौन से आ जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम में हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा ये ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। तो देखो स्टार फिश किस में आती है, पीसीज वर्ग में आती है। लिजार्ड्स जो रेप्टाइल्स होते हैं ये आपकी रेप्टिलिया वर्ग में आती हैं। लेम्प्रे ये कोडेटा का ही प्राणी है, लेकिन स्नेल जो होता है ये आपका मोलस्का का प्राणी है। तो ये क्या हो जाएगा, जो कि ड्यूटेरोस्टोम नहीं है ये पूछा है यहाँ पर, ये क्या होता है, एक प्रोटोस्टोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेंस आर फाउंड इन द वर्टिब्रा, यानी किसके वर्टिब्रा में जाइगेंट्रा एंड जाइगोफेंस पाए जाते हैं, तो सर्प में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि एक तो हम जो F1PD का संकरण ले लेते हैं और एक ले लेते हैं जो मदर या फादर में से किसी को भी, पैतृक जो होता है एक पैतृक को ले लेते हैं और इनका क्रॉस कराते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम मिलेगा। और यहाँ पर हमें प्राप्त जो होता है ये स्मॉल स्मॉल आर लेते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी क्या कर दिया हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और एक हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो 2:2 प्राप्त होते हैं, तो इनको काट देंगे, 1:1 अगर डाई हाइब्रिड होगा तो 1:1 ये प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः हम बात करें तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें 9331 ये प्राप्त होता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है तो 1:1:1:1 हो जाएगा। 33, पुरुष हाथी दांत किसके, यानी कि पुरुष हाथी के दांत
होते ही हैं। जो हाथी होता है उसमें जो दांत होते हैं सामान्यतः तो वो किस प्रकार के होते हैं, जो लंबे लंबे निकले रहते हैं, वो चर्वणक यानी मोलर्स, सेकेंड है लोअर्स इंसाइजर, निचला कृंतक, ऊपरी कृंतक यानी ऊपर इंसाइजर और कृंतक या दांत। तो ये ऊपर वाला कृंतक होता है, ऊपर वाला इंसाइजर होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है कि द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट, मेल एलिफेंट में जो टस्क होता है दांत होता है वो कौन सा होता है, अपर इंसाइजर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, कैल्सीटोनिन रेगुलेट, कैल्सीटोनिन है किसका नियमन करता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कैल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम, इसके नाम से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि फटाफट से आप इनके आंसर देख सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, और उसमें कुछ में डिटेल बताने की लायक कुछ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, कैल्शियम लेव। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में आता 35, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया किसको। ऑप्शन फर्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, 35 के बाद में 36, सिल्क इज मेड अप फ्रॉम, रेशम किससे बनता है। ऑप्शन फर्स्ट लार्वा की लार ग्रंथि से, वयस्क की लार ग्रंथि से, लार्वा के बाह्य चर्म से, वयस्क के बाह्य चर्म से। ये तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट जिसका साइंटिफिक नेम होता है याद रखना बोम्बिक्स, बोम्बिक्स मोराई, बोम्बिक्स मोराई। और इसकी जो लार्वा है इससे लार में लार ग्रंथियां पाई जाती है उनसे रेशम प्राप्त होता है। 37, सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन, किसमें सीव लाइक सेल्स पाई जाती हैं, स्काइटोनिमा, ओसिलेटेरिया, लेमिनेरिया, जिलेडियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमिनेरिया, और लेमिनेरिया से आपका आयोडीन वगैरह भी प्राप्त होता है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एड्रे टंग फर्न, एड्रे टंग फर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, एड्रे टंग फर्न है ये किसको कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है साइथिया, सेकंड मार्सिलिया, फोर्थ है, थर्ड है ओफियोग्लोसम, और फोर्थ है एडियंटम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओफियोग्लोसम को बोलते हैं हम एड्रे टंग फरन। 39, सिस्टोलिथ आर केमिकली मेड अप ऑफ, सिस्टोलिथ जो क्रिस्टल्स होते हैं, सिस्टोलिथ जो क्रिस्टल्स होते हैं ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नेट, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एसेप्टेड माइसिलियम पाया जाता है। देखो माइसिलियम जो होता है इस प्रकार से देखने को मिलता है, इसमें अगर इस प्रकार से जगह जगह खाली हो तो ये स्थिति होगी तो वो सेप्टेड हो जाएगा, और एसेप्टेड में क्या होता है इस प्रकार से संरचना मिलती है तो इसमें सेप्टेड नहीं होता, ऐसे ही उसमें क्या होता है जो द्रव भरा रहता है और उसमें बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं, जबकि सेप्टेड में केंद्रक बटे होते हैं आपस में। तो एसेप्टेड माइसेलियम इसमें किसका होता है, पक्सिनिया, एग्रीगस, एल्बुगो, एस्परजिलस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्बुगो में क्या होता है एसेप्टेड माइसेलियम होता है, जबकि पक्सिनिया, एग्रीगस और एस्परजिलस में सेप्टेड माइसेलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब F1 लंबे पौधे को पैतृक बोने पौधे से संकरित कराया जाता है, वो टेस्ट क्रॉस वाली बात आ गई इसमें भी, तो संतति का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा। तो ये मैंने पहले बता दिया 1:1 होगा, दोबारा कर भी सकते हैं, कैपिटल टी डी और स्मॉल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। तो दो ये हो गए, दो हो गए, 2:2 काट देंगे, 1:1 प्राप्त हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ सी फॉर प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और इसको गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी पूछा जा सकता है। जो सी फॉर प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप डार्क रिएक्शन यानी कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होती है, और ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, ये ध्यान में रखना। जबकि प्रकाशिक जो अभिक्रिया है ये कहाँ होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। और सी फोर जो प्लांट्स हैं इनमें सामान्यतः हम बात करें तो जो डार्क रिएक्शन होती है सी फोर प्लांट में, उनमें जो स्थायी उत्पाद होता है, प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद कौन बनता है सी फोर पादपों में फोटोसिंथेसिस के दौरान, डार्क रिएक्शन में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, पायरुविक एसिड, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सेला ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है।
और ये C4 पादप इसलिए कहते हैं, ये चार कार्बन युक्त परमाणु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त होता है, यानी कि पीसीआर जो क्रिया होती है जिसमें डीएनए की लाखों कॉपियां तैयार की जाती है कुछ ही सेकंड में, और जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है इसमें जो एंजाइम काम में आता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम काम में आता है, तो इस डीएनए पॉलीमरेज को कौन से जीव से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर, फोर्थ थर्मस एक्वाटिकस। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस से हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, ये क्या करता है, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं डाइकोट उनमें जेनेटिक वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। 44। हेट्रोमोर्फिक न्यूक्लियाई आकर इन विषम रूपी नाभिक किसमें पाया जाता है, विषम रूपी नाभिक है वो किसमें देखने को मिलते हैं, पेशी कोशिकाओं में, मानव जनन कोशिका में, न्यूरोन में, और पक्ष्मा भी प्रोटोजोआ या सीलेटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनमें ही देखने को मिलती हैं, जो सीलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें विषम रूपी नाभिक देखने को मिलता है। 40 कितना हो गया, 44, 45। इन अर्थवर्म द क्लोरोजन सेल्स, क्लोरोजन सेल्स होती हैं किसमें पाए जाते हैं, ये अर्थवर्म केंचुए में पाए जाते हैं, केंचुए में क्लोरोजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है डाइजेस्टिव, सेकंड है रिप्रोडक्टिव, थर्ड है सेंसरी, और फोर्थ है एक्सक्रेटरी। तो क्लोरोजन किससे संबंधित होती है, उत्सर्जन से संबंधित होती है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्सर्जन। 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नियोटोनी इज ऑब्जर्व इन, नियोटोनी पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नियोटोनी क्या होती है। देखो जो लार्वा अवस्था में ही जनन करना प्रारंभ कर दे, कोई भी किसी भी जीव का लार्वा है और वो लार्वा क्या कर दे, प्रजनन करना या जनन करना स्टार्ट कर दे, तो वो नियोटोनी कहलाती है। किसमें देखने को मिलती है, एम्बिस्टोमा, एलाइटस, साइकोन और सेक्यूलिना। सेक्यूलिना यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्बिस्टोमा। एम्बिस्टोमा जो होता है इसमें नियोटोनी देखने को मिलती है। क्वेश्चन 47। द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वाटर। तो सबसे अधिक प्रोटीन वाटर पाया जाता है और इसके बाद में प्रोटीन आ जाएगा। 48। टर्नर सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी टर्नर सिंड्रोम अगर किसी को व्यक्ति को है तो उसका गुणसूत्री सूत्र क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 2N-1 हो जाएगा, यानी कि 46 है तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी 45। तो यहाँ पर हम बात करिए, देखो इसमें तो एक ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, ये हो जाएगा X0, ये हो जाएगा इसका 45 गुणसूत्र होते हैं। और ये आपकी क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है या फिर वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। 48 के बाद में 49। भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है, तो भोजन के अवशोषण में कौन से आयन को हम लेते हैं या किस आयन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मेटानेफ्रिक किडनी है ये किसमें पाई जाती है, किस अडल्ट में देखने को मिलती है, साइक्लोस्टोमा, बर्ड्स, फ्रॉग और फिशेज। तो मेटानेफ्री किडनी जो होती है बर्ड्स में देखने को मिलती है, जो बर्ड्स वयस्क होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाए, इसका कारण ये कि इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं और इसलिए मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर इन क्वेश्चन को देखता है और पूछ भी लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। जबकि पिछला जो हमारा मॉडल पेपर आया था उसमें मैंने डिस्क्राइब भी किया, अच्छे से आपको समझाया है। अगला जो मॉडल पेपर होगा जिसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको और अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। आज के लिए इतना, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और इस लाइव सेक्शन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच सके। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें और 50+ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन जो कि पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है एम्ब्रियोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टीचर्स